सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम अब करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि जो पिछले कुछ दिनों से हम महसूस कर रहे हैं एक बहुत बड़ी त्रासदी को, वो है कोरोना की जो महामारी। और इस महामारी ने कहीं हमारे जो जीवन के संबंधित कुछ चुनौतियों को हमारे समक्ष लाया है, और उन चुनौतियों को से आगे बढ़ने का दायित्व हम सभी का। और एक आप महसूस किया होगा अभी हाल के कुछ दिनों में कि कुछ ऑनलाइन टूल्स के ज्यादा प्रयोग होने लगे, सभी लोग ऑनलाइन टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आवश्यकता में कुछ इतना प्रयोग कर पाना एक इम्पोर्टेंट बन पाया। तो इस महामारी के दौर में जो आईटी या जो ऑनलाइन टूल्स हैं वो बहुत ही कारगर हुए, और उसके द्वारा हम कहीं ना कहीं पढ़ाई का जो एक बिल्कुल एक ब्रेक लगा हुआ था, जो हम उस जिन कार्यों को नहीं कर पा रहे थे उन कार्यों को कुछ हद तक या बहुत हद तक करने में सक्षम हुए। और इसलिए आवश्यक है कि इस शिक्षा जगत से हम सभी लोग जुड़े, और इस इससे जुड़े हुए जो टेक्नोलॉजिकल छोटे मोटे कॉम्पिटेंसीज हैं वो हम अपने आप में विकसित करें, उसे जाने, उसको ज्ञान के रूप में मिले और उस कौशल को भी अर्जित करें। और अर्जित करने के लिए इस लॉकडाउन और सोशल जो डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है उसके माध्यम में कैसे करें, इसके लिए हम लोगों ने एक अच्छा एक अवसर ढूंढा। 29 तारीख को एक मीटिंग हुई जिसमें हम लोगों ने डायरेक्टर साहब के मार्गदर्शन में ये तय किया गया कि हम लोग वेबिनार कराने के लिए वेबिनार करेंगे, यानी कि हम ऐसे वेबिनार का आयोजन करेंगे जो हमारे बीच लोग जो लोग हैं वो वेबिनार कैसे सफलपूर्वक आयोजित कर सकें इस पर चर्चा। और इसी श्रृंखला में आज यह हमारा तीसरा आयोजन है, तीसरा वेबिनार है। पहले दिन हम लोगों ने बात की थी कि कैसे हम ऑनलाइन फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम लोगों को, प्रतिभागियों को बुला सकते हैं, प्रतिभागियों की कैसे के लिए कैसे हम आमंत्रित करें, क्या क्या सूचनाएं मांगे, तो उस पर फोकस था। दूसरे दिन हम लोगों ने चर्चा की कि मीटिंग शेड्यूल कैसे करें, यानी कि कोई सब कहते हैं गूगल मीट, तो गूगल मीट क्या है, कैसे हम उस पर मीटिंग आयोजित करें, या फिर हम पार्टिसिपेट तो करते हैं आयोजन करना नहीं जानते, तो आयोजन की बात की गई। फिर तीसरे दिन आज हम बढ़े हैं जहां पर आज हम बात कर रहे हैं कि एक आयोजक के रूप में या एक प्रतिभागी के रूप में या किसी भी रूप में आप एक एक्सेसिबल कैसे बनाए इस वेबिनार को, यानी यही जो वेबिनार है यह कैसे ज्यादा सुगम्य हो सकता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे हम वेबिनार, क्योंकि हम सामान्य रूप से वेबिनार भी नहीं करा रहे, हमारा जो एक पर्पस है वेबिनार कराने का, एक हमारा एक अलग से ग्रुप है उसमें संभावना बनती है कि बहुत सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, हमारा अल्टीमेट बेनिफिशियरी भी वही है, तो हम क्यों ना शुरुआत से ही वेबिनार्स में एक्सेसिबिलिटी के जो फीचर्स हैं उनकी संभावनाएं हैं उन पर चर्चा करें, उनकी चुनौतियों को भी समझें और फिर उन चुनौतियों को पार पाने का प्रयास भी करेंगे। तो इस श्रृंखला में आज हमारा जो ये है कि हम इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम एक्सेसिबिलिटी किसी वेबिनार में, वी कैन एस्टैब्लिश एक्सेसिबिलिटी इन एनी वेबिनार। इस संदर्भ में हमारे बीच तीन स्पीकर हैं। पहले स्पीकर के रूप में श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी हैं, दूसरे अमित सिंह नेगी जी हैं, और तीसरे डॉक्टर श्री देवी के श्री देवी हैं NIHS से, जो आजकल AYJNIHS कहलाता है। और इस कार्यक्रम के लिए आज हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारे बीच मेरे सीनियर कलीग श्री सुनील सिद्धपुरकर साहब हमारे बीच हैं और इस कार्यक्रम को संचालन वही करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों का स्वागत कर रहा था कि भाई सब लोग जुड़े, आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ कि सब हम यहाँ बीच में आए हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री सुनील सिद्धपुरकर जी को, जो एक खुद अपने आप में खूब सारे एक्सेसिबिलिटी फीचर्स पे चर्चा करते हैं, यूज करते हैं और उनके लिए वोकल भी होते हैं, और वो इस कार्यक्रम को आगे कंटिन्यू करेंगे, पूरे अंत तक वही कंडक्ट करेंगे इस कार्यक्रम को। तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि कृपया सर आए, हमारे बीच जुड़े और इस कार्यक्रम को आगे संचालित करें। श्री सुनील सिद्धपुरकर सर। धन्यवाद पंकज सर। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। जैसा डॉक्टर पंकज सर ने बताया कि NIEPVD पिछले कुछ दिनों से ये प्लान कर रहा था कि किस प्रकार से हमारे जितने बेनिफिशरीज हैं इन बेनिफिशरीज से एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इनसे मैक्सिमम कम्युनिकेशन हम लोग कर सकें।
माध्यम एक ही हमारे सामने उपलब्ध है, जो है वेबिनार। तो जब भी वेबिनार की बात आती है, तो शायद आप लोग मुझसे सहमत होंगे कि आज से 3 महीने तक केवल वेबिनार शब्द हमने केवल सुने थे। हमने केवल सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज, यही शब्दों पे ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस करते थे, क्योंकि हम वन टू वन कॉन्टेक्ट कर सकते थे। लेकिन जब से ये महामारी आई है, कोरोना महामारी आई है, तब से हम सबके लिए एक प्रकार से चैलेंज बन गया है कि किस प्रकार से हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आगे बढ़ाएं। तो शायद ये वेबिनार ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे से अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे के व्यूज हम शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब नॉलेज शेयर करने की बात आती है या व्यूज शेयर करने की बात आती है, और जिसके लिए माध्यम हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, जो वेबिनार के माध्यम से हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो चैलेंजेस बहुत सारे सामने आते हैं बीइंग अ डिसेबल पर्सन। तो डिसेबल पर्सन के लिए किस किस प्रकार के चैलेंजेस आ सकते हैं यदि आप वेबिनार कंडक्ट करना चाहते हैं? तो मेनली आज विषय इसी पर है, इसी पर चर्चा है। आज का जो टॉपिक है वो फैसिलिटिंग वेबिनार विथ एक्सेसिबल फीचर्स, माने वो कौन कौन से फीचर्स हैं, वो कौन कौन से एक्सेसिबल फीचर्स हैं जिसका आप उपयोग कर एक अच्छा वेबिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं विशेषज्ञ, 3 विशेषज्ञ, इनफैक्ट मैं बोलूँगा 4 विशेषज्ञ, क्योंकि डॉक्टर पंकज सर को हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप आईटी के और एक्सेसिबिलिटी के एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले जो विशेषज्ञ हमारे सामने जुड़ेंगे, हमारे बीच जुड़ेंगे, वो श्री राजेंद्र नेगी जी। इनका मैं थोड़ा परिचय देना चाहूँगा आप सबको। ये हमारे NIEPVD की जो TCB विंग है, इसमें IT and AT एजुकेटर है। जहाँ तक बात आती है एक्सेसिबिलिटी की, और खास करके विजुअल डिसेबल को एक्सेसिबिलिटी फीचर्स देने की बात आती है, तो NIEPVD में श्री राजेंद्र नेगी जी का योगदान हमेशा अहम रहता है, क्योंकि ये खुद विजुअली डिसेबल हैं और बीइंग ए दिव्यांग जन, ये हमेशा एक्सेसिबिलिटी को बहुत प्रमोट करते हैं। तो आज इनसे हम सीखने का प्रयास करेंगे, इनके व्यूज जानने का प्रयास करेंगे कि बीइंग अ विजुअली डिसेबल, यदि आप किसी प्रकार का वेबिनार ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो क्या क्या आपके सामने चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को किस प्रकार से आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उसका सामना कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम अच्छा वेबिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे श्री राजेंद्र नेगी जी से। दूसरे स्पीकर हमारे बीच जुड़े हुए हैं श्री अमित सिंह नेगी जी। ये भी हमारी NIEPVD के मॉडल स्कूल में एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं। ये अपनी सेवाएं दृष्टिबाधित बच्चों को लगातार दे रहे हैं, और एक्सेसिबिलिटी फीचर पर, और खास करके जब हम कंप्यूटर फील्ड की बात करते हैं और इंटरनेट फील्ड की बात करते हैं, तो ये अपनी सेवाएं लगातार हमारे संस्थान को दे रहे हैं। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि एज ए पार्टिसिपेंट, जैसे हम आप आज हमसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, तो एज ए पार्टिसिपेंट किस किस प्रकार के चैलेंजेस हमारे सामने आ सकते हैं और कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, एक्सेसिबल फीचर्स हैं, जिसको हम एज ए पार्टिसिपेंट हमको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ और जो जो एक्सेसिबल फीचर्स हैं वेबिनार के संबंध में, उस पर भी अपना व्यूज रखने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री अमित जी को। थर्ड जो स्पीकर है हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो डॉक्टर के श्रीदेवी जी हैं। ये फैकल्टी हैं AYJ NISH से, जो रीजनल सेंटर है इनका सिकंदराबाद में। इनको भी स्पीच एंड हियरिंग के फील्ड में काफ़ी अनुभव है, और जहाँ तक एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो स्पीच और हियरिंग के लिए किस प्रकार से एक्सेसिबल फीचर हो सकते हैं, इसके बारे में अपने व्यू रखने के लिए हम इनको बाद में आमंत्रित करेंगे। और सबसे लास्ट में मैं आमंत्रित करूंगा श्री पंकज जी को, डॉक्टर पंकज जी को, जो कि आईटी एक्सपर्ट खुद हैं और एक्सेसिबिलिटी पर वो भी अपना व्यू रखेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, मैं श्री राजेंद्र नेगी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने विचार व्यक्त करें और बताएं कि किस प्रकार से हम एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए एक वेबिनार को कंडक्ट कर सकते हैं। श्री राजेंद्र नेगी जी, आइए। नमस्कार सभी को। थैंक यू सुनील सर अपॉर्चुनिटी के लिए। जैसा कि अभी
सर ने बताया कि ऑर्गेनाइजर की ओर से कौन कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए और प्रिकॉशनरी एक्शन लेनी चाहिए एक एक्सेसिबल वे में और इंक्लूसिव वे में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक्सेसिबल सेमिनार किया जाए, तो ये मेरा टॉपिक है आज का। तो इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल जो हमारी सोसाइटी है वो इंक्लूसिव सोसाइटी की ओर जा रही है, स्पेशल से, हालांकि स्पेशल की भी कई जगह पर जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारा आरपीडी डब्ल्यूडी एक्ट देख लीजिए या और भी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है या सोसाइटी में भी जो इन्वायरमेंट डेवलप हो रहा है ग्रेजुअली वो इंक्लूसिवनेस की तरफ हो रहा है, और वही शायद एक अल्टीमेट हमारे पास एक ऑप्शन भी है ताकि पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज को हम सोसाइटी में एक साथ समावेश करके रख सकें और एक साथ काम कर सके। क्योंकि अगर हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते नॉर्मली प्रत्येक समय कि वेबिनार केवल विजुअली इम्पेयर्ड के द्वारा विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ही कराया जाएगा, विजुअली इम्पेयर्ड स्पीकर हो सकते हैं और साइटेड पर्सन उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं, और इसका रिवर्स भी हो सकता है कि साइटेड पर्सन स्पीकर हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, और विजुअली इम्पेयर्ड उनमें से एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये जरूरी है आज के समय में जो ये पेंडेमिक सिचुएशन आया है इसके चलते सडनली सब कुछ चेंज हुआ है और वेबिनार का जो महत्व है वो बहुत ही बढ़ गया है, और वेबिनार का महत्व बढ़ने के कारण से टेक्नोलॉजी का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि वही एक टूल्स है जो कि वर्चुअली हमें आपस में जोड़ने में हेल्प करता है। तो इसी सब चीज को देखते हुए मैं कुछ पॉइंट्स पर यहां पर चर्चा करना चाहूंगा, जिसके माध्यम से अगर उन पॉइंट्स का पालन किया जाए तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हम इंक्लूसिव इन्वायरमेंट को मध्य नजर रखते हुए हम एक एक्सेसिबल वेबिनार एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत में करूंगा। पहला, अगर आप देखें, हम सबसे पहले तो हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है, कभी भी जब तक हमारे पास टूल्स ना हो जिसमें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आते हैं। हार्डवेयर हमारे पास, एक मैं एग्जांपल देता हूं कि हम जब लैपटॉप पहले परचेज करते थे तो हम कभी कैमरा पर ध्यान नहीं देते थे, कभी भी कैमरा या माइक, जो बिल्ट इन माइक है या कैमरा है, उस पर उतना ध्यान नहीं देते थे, प्रोसेसर, रैम या इस तरह की चीजों पर, हार्ड डिस्क, ये सब पर ध्यान ज्यादा देते थे। लेकिन इस सिचुएशन ने हमें सिखाया कि कैमरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और माइक्स, जो इसमें बिल्ट इन माइक है, वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो कि आप सोचने के तरीके में चेंज हो गया है। वही लैपटॉप हम पहले खरीदते थे और इन पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब हम परचेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, जब भी कोई क्वेरी आता है तो यही आता है कि वेबकैम किसमें अच्छा है और माइक किसमें अच्छा है। अब ये कि मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि माइक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसी के बेस पर वो कार्य करते हैं, ये तो सबको सबसे परिचित है ही है। तो और जो लो विजन पर्सन होता है उनको थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी से दिखाई दे तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पहलू है। तो इसीलिए जब भी आप वेबिनार अरेंज करें, जो भी ऑर्गेनाइजर हैं वो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दे कि माइक सिस्टम बहुत अच्छी हो और उसमें जो है उसके साउंड कैपेबिलिटी अच्छी हो, इनपुट करने की जो कैपेबिलिटी वो अच्छी हो। चाहे इसके लिए आप एक्सटर्नल माइक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मान लीजिए आपके लैपटॉप की कैपेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, बिल्ट इन क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप एक्सटर्नल माइक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सुनने पर विशेष बल देना जरूरी है, सुनाने पर भी। तो इसीलिए आपके जो माइक सिस्टम है और कैमरा सिस्टम है, क्योंकि लो विजन पर्सन भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, तो कैमरा की क्वालिटी अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है। अब कई लोग मन में सोच रहे होंगे कि भाई बहुत लोग तो मोबाइल में अटेंड करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो लैपटॉप से भी अटेंड करते हैं, तो लो विजन पर्सन अगर लैपटॉप से अटेंड कर रहा है तो उसके लिए माइक अच्छा रहेगा और प्लस कैमरा की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी हो तो अच्छी इमेज आ सकते हैं, और ये ऑर्गेनाइजर को विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपकी शुरुआत होती है। उसके अलावा एक जनरल बात है, इंटरनेट कनेक्टिविटी डेफिनेटली है कि अच्छे इंटरनेट कनेक्टिविटी का तो होना जरूरी है, ये तो चाहे साइटेड के लिए भी और पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट के लिए,
दोनों के लिए लागू होता है। ये सामान्य एक नॉर्मल पहलू है कि अच्छा इंटरनेट का होना जरूरी है। मान लीजिए आपका आप अच्छे प्रोग्राम सब कुछ कर पा रहे हो, या कहीं आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन अगर उसमें रास्ता खराब है तो फिर गाड़ी प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगी। तो वही आज इंटरनेट का महत्व भी बहुत बढ़ गया है। तो बेस्ट यही है कि हाई स्पीड इंटरनेट हो, जो जब भी वेबिनार कराएं अच्छे इंटरनेट की स्पीड से कराएं, और साथ ही साथ उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो, डिटोरेट ना हो। इन सब चीजों का, ये कॉमन चीजें हैं, दिखने में कॉमन लगता है लेकिन इन सब चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर हम अगला पॉइंट में चलें तो सॉफ्टवेयर, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो सबको पता ही है। तो ये मैं कह रहा था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल हो। आजकल गूगल मीट और से नमस्ते और इस तरह के बहुत सारे ऐप डेवलप हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजर को ये देखना चाहिए ऑर्गेनाइज करने से पहले कि आप सॉफ्टवेयर बिल्कुल एक्सेसिबल रखें और इजी टू यूज हो, क्योंकि कई विजुअली इंपेयर्ड ऐसे होते हैं कि वो पहली बार यूज कर रहे होंगे तो वो प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे। और कई बार ऐसे होता है डिस्कनेक्ट हो गया, और डिस्कनेक्ट हो गया तो रिज्वाइन कैसे करना है, अगर वो आसान सिस्टम नहीं है उसमें तो वहां भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो एक्सेसिबिलिटी तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ उसमें जो सिंप्लिसिटी है वो भी एक इम्पोर्टेंट है। तो एक्सेसिबिलिटी विद सिंप्लिसिटी को ध्यान में रखते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर को चूज करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, पेड और अनपेड या नॉन पेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपके ऑडियंस को देखते हुए, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर कितने जोड़ते हैं उस पर डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर, तो वो आप देख सकते हो। लेकिन जो भी आप करोगे पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट के लिए अगर डिसाइड करना है, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि डिसाइड करना है, बल्कि आजकल तो पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट इंक्लूसिवनेस का एक पार्ट है और वो होना ही होना है किसी भी वेबिनार में। कोई भी वेबिनार ऐसा नहीं हो सकता कि पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट को इग्नोर कर दे। तो इसलिए जब भी प्रत्येक ऑर्गेनाइजर को ये कंपल्सरी होना चाहिए अपने नॉर्म में कि वो एक्सेसिबल और सॉफ्टवेयर और सिंपल वे में यूज हो, तभी जाकर वो यूज हो पाएगा, प्रॉपर हो पाएगा। और पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट एक अपना जो एक्सेसिबल वे में कनेक्ट कर पाएगा। और साथ ही साथ अगर उसमें कई ऐप ऐसे भी होते हैं, अगर आपने एक बार डिस्कनेक्ट कर दिया या डिस्कनेक्ट हो गया किसी भी कारण से, चाहे पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण ही सही, उसमें रीज्वाइन का ऑप्शन नहीं होता कई जगह पर, कई ऐप में। तो ऐसा ऐप चूज करें जिसमें रीज्वाइन हो जाए। रीज्वाइन कहने का मतलब ये है कि दोबारा अलग तरीके से या नए सिरे से ज्वाइन करने की आवश्यकता ना पड़े। जैसा गूगल मीट है, गूगल मीट में आप रीज्वाइन कर सकते हैं, दोबारा आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह की ऐप हो जिससे कि एक सिंप्लिसिटी के साथ यूज कर सकें। तो ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये जनरल टर्मिनोलॉजी के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हमें ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके आधार पर फिर आगे काम होगा, जो मुझे लगता है, इसलिए मैंने विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया है। इसके अलावा अगर हम आगे चलें, जब भी हम वेबिनार ऑर्गेनाइज करने जा रहे होते हैं तो उससे पहले हम नोटिफिकेशन निकालते हैं, है ना, नोटिस निकालते हैं कि हमारे यहाँ वेबिनार हो रहे हैं, और आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी हम नोटिस निकालते हैं। तो जब भी आप नोटिफाई करें तो वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में हो, ईमेल के फॉर्मेट में ना हो। ये विशेष रूप से ध्यान दें कि आप ऐसा ना हो कि आपने पहले वर्ड में या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई लिखा, लिखने के बाद फिर उसके उसमें जो है आपने प्रिंट आउट निकाला, फिर फोटो खींच के भेज रहे हो। ये ना करें, क्योंकि इससे पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज को प्रॉब्लम होगी। हमारी जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की फीचर्स है कि वो ई टेक्स्ट को ही पढ़ पाता है, और इमेज को, अब कई लोग बोल सकते हैं कि भाई इमेज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसकी कहानी अलग है। अगर उसको पर्सन को पता ही नहीं चलेगा कि वो इमेज में क्या है तो वो कन्वर्ट ना भी करें, ऐसा भी हो सकता है, स्किप कर दें, या कन्वर्ट करने के बाद भी उतनी अच्छी आती है नहीं आती है। सारे जो एप्स हैं वो इंटरनेट बेस्ड हैं ऑलमोस्ट ऑल, तो ऐसे कंडीशन में भी जो है वो कितनी एक्यूरेसी के साथ वो ऐप कन्वर्ट कर पाता है, ये भी देखने वाली बात है। तो मेरा इसलिए सबसे सभी ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट है
कि एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखने के लिए ई टेक्स्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट में सिंपल टेक्स्ट जो आप टाइप करते हो, नॉर्मल भाषा में बोले तो जो आप टाइप करते हो उसी में होना चाहिए, उसी को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिए और भेज दीजिए, या अगर आप इमेज लगा रहे हो तो अगर आप कर सकते हो तो इमेज में अल्टरनेटिव टेक्स्ट का प्रोविजन है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मिलता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट का प्रोविजन, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि इमेज के इमेज में अगर हमारा कर्सर जाए तो इमेज पढ़ के बता दे जो भी आपने लिखा है इमेज किस बारे में है। तो ये सब चीज किया जा सकता है और हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस को ध्यान में रखकर ही कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कोई नया सॉफ्टवेयर परचेज करना है, वर्ड एक्सेल हम यूज करते ही हैं और छोटे मोटे जो हमारे ड्राइंग्स के टूल्स भी हमारे पास होते ही हैं तो उन सब का इस्तेमाल करते हुए हम कर सकते हैं। आजकल तो कैमरा से भी फोटो लेकर उसमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट आप लगा सकते हो। तो ये इन बातों का आप विशेष ध्यान दें क्योंकि ऑल्ट टेक्स्ट लगाने सॉरी अगर हम ई टेक्स्ट में लिखने हमें ई टेक्स्ट जरूरी है, विजुअली इम्पेयर्ड को ई टेक्स्ट में चाहिए, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप इमेज से उसको डेकोरेट नहीं कर सकते हो। इमेज आप लगाइए उसमें क्योंकि थोड़ा सा डेकोरेटेड भी हो जाता है ना, क्योंकि इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में है तो हम विजुअली इम्पेयर्ड के लिए अगर कोई नॉर्म बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम साइटेड को इग्नोर कर देंगे, तो ये भी जरूरी है। तो इसीलिए उसमें आप जब भी इमेज डालो तो उसमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट जरूर डालिए जिससे कि बेनिफिट हो जाए दोनों को, विजुअली इम्पेयर्ड को भी पता चलना चाहिए कि वो इमेज अल्टीमेटली है क्या, किस बारे में है, राइट। तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। इसके बाद जब हम नोटिफाई करते हैं तो आप जब भी ऑर्गेनाइज करते हो कोई चीज तो वहां स्पीकर भी बुलाते हैं, है ना, स्पीकर्स होते हैं, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि भाई एक ही ऑर्गेनाइजर हो वही सब कुछ बोल के चले जाए, अलग अलग एक्सपर्टीज हैं, अलग अलग एक्सपर्ट को आप बुलाते हैं। तो एक्सपर्ट्स को बुलाने से पहले ये आप विशेष रूप से उसको अवेयर कराएं कि जो भी आप करने जा रहे हो वो जहां तक संभव हो एक्सेसिबल वे में करें। अगर वो स्पीकर को आप बताएं कि विजुअली इम्पेयर्ड की क्या समस्या है, किस तरह से प्रॉब्लम है, हो सकता है हम नॉन डिसेबिलिटी या विदाउट डिसेबिलिटी फील्ड से हम किसी स्पीकर्स को ले रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये अत्यंत आवश्यक है कि पहले उन्हें अवेयर कराएं, है ना, एक अवेयर करने का भी प्रोसेस होना चाहिए और उनसे पूछें कि आप कोई डाउट है। ऐसा नहीं कि अवेयरनेस में भी क्या समस्या है कि आपने एक लेटर भेज दिया और लेटर में सब कुछ लिख दिया कि विजुअली इम्पेयर्ड को ये प्रॉब्लम है, इस तरह से हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो सब बातें अलग चीज है, वो तो नेट में भी पढ़ सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिकल वे में उनको अवेयर करें जिससे कि जब स्पीकर और जब वो अवेयर हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये अवेयर हो चुके हैं। मैं तो ये कहता हूं कि थोड़ा सा उनका जो नॉन फॉर्मल हल्का सा टेस्ट भी ले लें, टेस्ट मीन्स थोड़ा पूछ लें कि कैसे कैसे किस कंडीशन में क्या करना है। तो उस इस तरह से अवेयर करने के बाद फिर आप उन्हें शामिल करें एज ए स्पीकर। हो सकता है थोड़ा टिपिकल टास्क हो, कई बार बहुत सीनियर लोग भी होते हैं तो, लेकिन फिर भी कोशिश करें डायरेक्टली इनडायरेक्टली अवेयर करने की। तो ये हमारे नॉर्म में होना चाहिए, ऑर्गेनाइजर को ये विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आप भले ही कोई भी आप प्रोग्राम कर लो लेकिन अगर स्पीकर जो बोल रहे हैं, जो भी आप गेस्ट बोल रहे हैं, अगर वो एक्सेसिबल वे में नहीं गया पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट के पास, तो हो सकता है वहां पर प्रॉब्लम आ जाए और वहां पर कम्युनिकेशन गैप हो जाए। तो इसीलिए ये जरूरी है कि उनको अवेयर करना। और इसमें क्या होगा कि यहां पर स्पीकर की भी गलती नहीं होगी, मैं तो मानूंगा कि यहां पर ऑर्गेनाइजर की ही मिस्टेक होगी, क्योंकि स्पीकर तो आया है विदाउट डिसेबिलिटी फील्ड से, डिसेबिलिटी फील्ड से हट के आया हुआ है, तो वो तो जैसा अब तक करता आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो इसीलिए हमें अवेयरनेस पर विशेष ध्यान देना होगा। हमारा जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट भी ये भी कहता है कि अवेयरनेस कराना बहुत जरूरी है, कई उसमें प्रोविजंस हैं अवेयरनेस के। तो इसीलिए एक अवेयरनेस स्पीकर को बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ही उसे शामिल करें। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसा मैं बता रहा था आपको कि अगर स्पीकर को हम अवेयर नहीं कराएंगे तो कम्युनिकेशन गैप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे, कभी आपने ख्याल किया होगा या नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप YouTube में देखिए कई अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, हाई लेवल के वीडियोस भी हैं, और उसमें वो ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल के रूप में है,
और काफी अच्छे अच्छे टॉपिक पर हैं और एक्सपर्ट लोग भी हैं जो ट्यूटोरियल बना रहे हैं और समझा रहे हैं, लेकिन वहां एक ही समस्या होती है कि वो प्रत्येक चीज को वर्बल वे में नहीं बोलते हैं, मतलब वर्बलाइज नहीं होता पूरे चीजें। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए एक्सेल पढ़ा रहे हैं, अब एक्सेल में कोई डेटा है तो वहां पर एक समय तक तो वो बोलते जाएंगे कि यहां पर जाइए, इस सेल में जाइए, कहीं पर वो बोल देंगे कि यहां पर 25 लिखना है। मान लीजिए कोई डेटा लिखना है और उन्होंने कहा कि यहां पर 25 लिखना है, और या तो यहां पर ये फार्मूला लिखिए, है ना, या इस ऑप्शन पे जाइए। तो लेकिन अब विजुअली इम्पेयर्ड के पास ये समस्या है कि किस ऑप्शन पर जाएं, उसे तो दिख नहीं रहा है, वहां पर विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने कह दिया ये इस ऑप्शन पर जाइए। तो जो अब तक सुनता आ रहा था एक पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज में की कैटेगरी में जो पर्सन है, वो एक समय के आने के बाद जब उन्होंने ये कहा कि यहां पर देखिए, यहां पर फार्मूला लगाइए, उस सेल का एड्रेस नहीं बताया कहां पर लगाइए, या उस लोकेशन को नहीं बताया प्रॉपरली, तो ऐसे कंडीशन में जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उनके माइंड में, पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट के माइंड में जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, वो कॉन्सेप्ट वहां ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा वहां से, और फिर वो यही सोचने में लग जाएगा कि भाई कहां पर लिखें, क्या लिखें। और ऐसे में कई कईयों को हम पूछते भी हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूं, कई लोगों को फिर इरिटेट होने लगते हैं पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट, ये ऑर्गेनाइजर करा कैसे रहा है, इसमें कहां लिखना ये बता ही नहीं रहे। फिर आप देखोगे एक समय के बाद धीरे धीरे वो वेबिनार अटेंड करना ही छोड़ देंगे, या उस ट्यूटोरियल को जो इस तरह से इनएक्सेसिबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है उस ट्यूटोरियल को सुनना ही बंद कर देंगे। तो एक ये भी कारण है कि पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट चाहते हुए भी वेबिनार कई बार अटेंड करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर कम्युनिकेशन गैप होता है, हमारे जो परसेप्टिबल इंफॉर्मेशन है, जो हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन है उसमें भी, उसका भी एक प्रिंसिपल है, तो वहां इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ना, तो इसका तात्पर्य यही है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि आप प्रत्येक एलिमेंट को, प्रत्येक लोकेशन को समझाएं, बताएं कि वो क्या कर रहे हैं, प्रत्येक एक्शन को वर्बलाइज करें, जिससे कि पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट के माइंड में वो कॉन्सेप्ट कंटिन्यूअसली बनता रहे, और कहीं भी अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो आगे का कॉन्सेप्ट कोई मतलब नहीं बनता, कि जो उसने प्रीवियसली जो सुना था वो भी फिर कोई उसका फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए जो मुझे लगता है कि होना ये चाहिए कि इन सब बातों के लिए भी स्पीकर को पहले से ही अवेयर कराना जरूरी है, तभी तभी जाकर जो है प्रॉपर कनेक्टिविटी हो सकती है और स्पीकर भी अवेयर हो सकते हैं, और फिर आगे चलकर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है। अगर ये ना हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कई यूट्यूब में कई लोग सुनना पसंद नहीं करते। मैं कई बार विजुअली इंपेयर को कहता हूं कि यहां पर देखो सुनो, तो वो वहां पर वो प्रॉब्लम आती है, और देखो तो वाकई में ऐसा होता है। तो मेरा यही ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजर जो है उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहां पर हो, वर्बलाइज्ड हो, तभी वो इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, अदरवाइज वहां पर कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, और वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो कॉन्सेप्ट है वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा पर्सन विद विजुअल इंपेयर के, पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट के माइंड में। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हम अनअवेयर होने के कारण से या किसी और परिस्थितियों के कारण से इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये ध्यान देना जरूरी है। और मैं फिर रिपीट करूंगा कि ऑर्गेनाइजर को अवेयर कराना जरूरी है जिस गेस्ट को या स्पीकर को आप बुलाते हो पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट के रिक्वायरमेंट से के संबंध में, चाहे कहीं भी वेबिनार ऑर्गेनाइज हो रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये करना ही चाहिए, क्योंकि टारगेट ग्रुप में अब ये सिचुएशन आ गया है कि विजुअली इंपेयर्ड प्रत्येक प्रकार के वेबिनार अटेंड करना पसंद करते हैं, प्रत्येक टॉपिक में, क्योंकि उनको भी दिलचस्पी होती है कि भाई इंटरेस्टेड होता है वो भी कि वेबिनार अटेंड करें कि कौन सा स्पीकर क्या बोल रहे हैं,
तो वहां प्रत्येक स्पीकर को ये अवेयर कराना जरूरी है। इसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपके माइंड में रहे। ऐसा कम होता है, देखने को यही मिला है कि ऐसा कम होता है, केवल लेटर थमा देते हैं, उससे काम नहीं चलेगा मुझे ऐसा लगता है। उसके अलावा देखिए, टोटली ब्लाइंड के साथ साथ लो विजन पर्सन भी वेबिनार अटेंड करते हैं, है ना, क्योंकि हम पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट या विजुअल डिसेबिलिटीज कहते हैं, तो उसमें पर्सन विद ब्लाइंडनेस एंड पर्सन विद लो विजन दोनों ही आते हैं, और एज्ड पर्सन भी होते हैं, है ना, अगर हम विजुअली इंपेयर को छोड़ें तो एज्ड पर्सन भी होते हैं जो उनको जो है दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पर आपको एक विशेष ध्यान देना है, जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि वेबिनार में प्रेजेंटेशन भी किया जाता है अक्सर समझाने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में ये आवश्यक है कि जो जब भी आप कोई भी प्रेजेंटेशन बनाएं, वहां पर कलर कॉन्ट्रास्ट प्रॉपर मेंटेन्ड करें। कलर कॉन्ट्रास्ट का होना बहुत ही जरूरी है ताकि वो इजीली पढ़ सकें। ठीक है, जो मोबाइल में देख रहे हैं वो थोड़ा छोटा दिखाई देगा, हो सकता है ना पढ़ पाए या थोड़ा जूम करके पढ़ पाए, लेकिन अगर वो लैपटॉप या डेस्कटॉप, और भी हमारे पास बड़े स्क्रीन होते हैं, उसमें भी वेबिनार चलाए जा सकते हैं, दिखाए जा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि प्रेजेंटर को यह ध्यान देना जरूरी है कि कलर कॉन्ट्रास्ट एक प्रॉपर रेशियो में हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि डार्क ग्रीन स्क्रीन है और हल्का सा लाइट ग्रीन जो है उसमें टेक्स्ट आपने लिख दिया हो और आपको ध्यान ना रहा हो, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है आपको लगे कि दिखने में अच्छा लग रहा है लेकिन डेकोरेटिव हो सकता हो, लेकिन उसमें डेकोरेटिव के अलावा हमें कलर कॉन्ट्रास्ट, यानी कि ब्लैक है तो अगर ब्लैक बैकग्राउंड है तो व्हाइट से लिखें, व्हाइट बैकग्राउंड है तो ब्लैक से लिख सकते हैं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देख लीजिए, आप बड़ा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्हाइट बैकग्राउंड है तो आप ब्लैक से उसमें लिख सकते हो, है ना, कम से कम कुछ दूरी से पढ़ सकें, इस बात को ध्यान रखना है। अगर व्हाइट बैकग्राउंड है तो आप डार्क से लिखिए। तो इस तरह के कलर कॉन्ट्रास्ट उस समय आप जब बना रहे हो, ठीक है, डेकोरेटिव भी हो, मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि डेकोरेटिव ना हो, डेकोरेटिव भी हो, अच्छा भी दिखे, लेकिन साथ ही साथ उस कलर कॉन्ट्रास्ट को भी मेंटेन करें जिससे कि देखने में, और बैकग्राउंड और वो फोरग्राउंड है, बैकग्राउंड और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें सेपरेट करने में आसानी हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसमें कई कलर कॉन्ट्रास्ट के रेशियो है, हालांकि उतना टेक्निकली आवश्यक नहीं लगता मुझे, उसके लिए तो सेपरेट बहुत सारी चीजें आप वेब में पढ़ सकते हो, लेकिन सिंपली आप देख लीजिए कि कलर जब आप लिखोगे तो बैकग्राउंड और जो फोरग्राउंड है, बैकग्राउंड और जो टेक्स्ट है, हम दूसरे शब्दों में कहें, तो उनका किस तरह से रेशियो चाहिए, क्या आप सेपरेट कर पा रहे हो? यदि आप खुद भी सेपरेट कर पा रहे हो अच्छी बात है, या किसी और को भी दिखा लीजिए, है ना, ये सब देखना जरूरी है। यहां पर मैं, क्योंकि स्पीकर के रूप में विजुअली इम्पेयर्ड भी हो सकते हैं, ब्लाइंड पर्सन भी हो सकते हैं, उनके लिए भी मैं यहां कहूंगा कि कलर आप जब भी प्रेजेंटेशन बनाएं तो सिंपल प्रेजेंटेशन रखें, है ना। प्रेजेंटेशन जब भी आप करते हो तो आप का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट होता है, जो उसके मटेरियल है वो इम्पोर्टेंट होता है। आप दुनिया भर के एनिमेशन लगा दोगे, फिर आप ऑर्गेनाइज, आप मान लो स्पीकर के रूप में जा रहे हो, तो वहां पर होगा क्या, आपकी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर भी कई बार बोलना बंद कर देगा या लेज में बोलेगा, है ना, तो वहां पर आपको आउटपुट प्रॉपर नहीं मिल सकता है अगर आपने ज्यादा एनिमेशन का इस्तेमाल कर लिया। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें, पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट के लिए भी, कि वो कलर कॉन्ट्रास्ट मेंटेन करें और साथ ही साथ बहुत ज्यादा एनिमेशन का इस्तेमाल ना करें। कलर कॉन्ट्रास्ट मान लीजिए वो वर्ड में है, क्योंकि मैं वर्ड का एग्जांपल दूंगा यहां पर, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं उसी का एग्जांपल देना पसंद करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप देखोगे जब कलर इस्तेमाल करते हो तो वहां पर कलर में परसेंटेज बताता है, जब आप कलर जब टेक्स्ट में आप कलर अप्लाई करने जाते हो तो वहां पर कलर में स्टैंडर्ड कलर नीचे होता है, उसके ऊपर कलर जब बता रहे हो, राइट एरो अप एरो डाउन एरो जब भी करते हो, मैं स्पेशली विजुअल इंपैक्ट को बता रहा हूँ, कि वहां पर कलर का परसेंटेज भी होता है, लाइटर 10%, लाइटर 90%, इस तरह के बहुत सारे, डार्क 10%, इस तरह से वो हमारा जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है वो अनाउंस करता है, साइटेड तो देख सकते हैं। तो वहां पर उसका इस्तेमाल करने के बजाय आप स्टैंडर्ड कलर का इस्तेमाल करें, है ना। वहां पर क्या हो सकता है, आपसे मिस्टेक हो सकता है अगर आप एज ए ऑर्गेनाइजर हो या
जब भी आप प्रेजेंट करने जा रहे हो तो वहां पर यह हो सकता है कि आपने ध्यान से नहीं सुना या आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने सोचा ग्रीन बोल, ग्रीन वो अनाउंस कर रहा है, हमारा स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर ग्रीन अनाउंस कर रहा है, लेकिन परसेंटेज आपने ध्यान नहीं दिया, वो लाइटर बोल रहा था या फिर डार्क बोल रहा था। अब लाइटर 80% कर दोगे तो फिर वो दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि लाइट हो गया 80% लाइट हो गया, टेक्स्ट जो है लाइट हो जाएगा 80%। मान लीजिए ग्रीन कलर है, ग्रीन में आप लाइट कर दीजिए 80% तो बहुत लाइट हो जाएगा वो। आप स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर से तो वैसे ही पढ़ सकते हो जैसा पहले पढ़ रहे थे, लेकिन साइटेड पर्सन या लो विजन पर्सन उसको नहीं देख सकता ढंग से, यहां पर समस्या आ जाएगी। तो मेरा पर्सन विद ब्लाइंडनेस से भी ये अनुरोध है कि वो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि जब आप कलर का चूज करें तो स्टैंडर्ड कलर को लेकर करें, जिसमें अगर वो ग्रीन है तो एक स्टैंडर्ड ग्रीन ही होगा, लाइट ग्रीन है तो स्टैंडर्ड लाइट ग्रीन ही होगा। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट जहां भी है ये ऑप्शन आता है। मैं एग्जांपल इसका इसलिए दे रहा हूं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सभी यूज करते हैं, बाकी आप किसी भी ऐप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्ड है, एक्सेल है या पावर पॉइंट, इन सब में ऑप्शन मिल जाएगा, और पावर पॉइंट से ही हम नॉर्मली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो इसलिए वहां आपको विशेष रूप से ध्यान देना है ताकि आपसे ये मिस्टेक ना हो जाए, है ना। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना है, ये मैंने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताए। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो एसोसिएट करना मींस, मान लीजिए आप किसी चीज को दिखा रहे हो, कोई चीज बता रहे हो आप, अब वो किस शेप का है। मान लीजिए अगर वो रेक्टेंगुलर शेप का है, आप कोई डायग्राम दिखा रहे हो रेक्टेंगुलर शेप का है, तो आप क्या कर सकते हो कि उसे किसी ना किसी सामान से एसोसिएट कर सकते हो। कि मान लीजिए रेक्टेंगुलर शेप में है, थोड़ा बड़ा है रेक्टेंगुलर शेप में, तो आप ये बोल सकते हो कि इसका आकार वैसे ही है जैसा कि आपका ब्रेल स्लेट है, क्योंकि ब्रेल स्लेट ऑलमोस्ट ऑल सभी विजुअली इम्पेयर्ड या तो उसने यूज किया हो या उसने देखा होगा जरूर, है ना। तो उसमें सभी लोग ब्रेल स्लेट को जानते हैं, तो आप एसोसिएट कर दीजिए किसी ना किसी चीज से। अगर सर्कल है तो बैंगल से कर सकते हैं, चूड़ियों से कर सकते हैं, किसी प्रकार से जो भी आप डायग्राम प्रेजेंट कर रहे हो उसमें उसमें आपको विशेष एसोसिएट करना। मीन्स अगर मान लीजिए हम, मैं बता रहा था कि आपको ऐसा कॉमन चीज लीजिए, वहां भी आप ऐसा नहीं करोगे कि कुछ ऐसा चीज बता दिया जिस जो कि उन्होंने कभी देखा ही ना हो, है ना। तो इन इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है कि उन ऑब्जेक्ट्स को उन ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करें जिस ऑब्जेक्ट को आपको लगता है कि विजुअली इम्पेयर्ड भी अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। हाँ, ये अब क्या है कि अब आप कई लोग बोल सकते हैं कि हम रेक्टेंगुलर कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप कैसा होता है वो बता दें उस समय। ठीक है, आप बता, अगर आपके पास टाइम है तो बताएं, फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा कि इसकी लंबाई ये होता है, चौड़ाई वो होते है। अगर आपका मैथ्स का है, अगर आपका वेबिनार मैथ्स से रिलेटेड है, वहां तो आप करोगे, वहां रेक्टेंगुलर आगे तो डेफिनेटली आप उसको बताओगे कि ये रेक्टेंगुलर शेप है इस तरह से, अगर बेसिक लेवल में है आपका वेबिनार तो। लेकिन अगर आपका इस समय वेबिनार मैथ्स से रिलेटेड नहीं है, आप कोई चीज दिखा रहे हो, मान लीजिए कोई भी टॉपिक हो सकता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है या कोई भी ऐसा चीज हो सकता है, व्हीकल से रिलेटेड हो सकता है या कोई एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी दिखा रहे हो, तो वहां फिर ट्रायंगल रेक्टेंगुलर इस तरह से बताने लग जाओगे तो हो सकता है वो थोड़ा सा टॉपिक डाइवर्ट हो जाए, टाइम कंज्यूमिंग हो। तो आप सीधा सीधा ऐसा सामान या ऐसी चीजों से एसोसिएट कर दीजिए जिसका कि डे टू डे लाइफ से संबंध है और विजुअली इम्पेयर्ड यूज करते हैं, ब्रेल स्लेट है, बैंगल्स में या और भी चीजें हो सकती हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं, कौन है तो आइसक्रीम का कौन बता दीजिए, आपने खाया होगा इस तरह से होता है, है ना। तो ये सब चीजों के को ध्यान में रखकर आपको कोई भी डायग्राम प्रेजेंट करने चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि फिर वो विजुअली इम्पेयर्ड को पता नहीं चलेगा तो उसके माइंड में वही घूमेगा कि डायग्राम होगा कैसे। तो आप उसके आगे जो बता रहे होंगे तो हो सकता है उसका माइंड इधर चल रहा है कि वो डायग्राम कैसा है और आप बता कुछ और रहे हो ना। तो यहां पर ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब भी हम कोई वेबिनार करें, कभी कोई भी ऑर्गेनाइज कराएं, तो हम ये भी देखें कि साइको इफेक्ट क्या पड़ सकता है, और अगर कोई चीज ना बताएं तो उसका क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट के साथ साथ ये सब चीजें भी जरूरी होता है, एक
प्रॉपर इन्वायरमेंट है हो कि क्लास होना जरूरी है और एक प्रॉपर तरीके से होना जरूरी है, वहां पर वो साइकोलॉजिकली भी प्रेजेंट हो, माइंड से भी प्रेजेंट हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है और उसका माइंड डाइवर्ट ना हो। जो जो वो बता रहे हैं, जो जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, उन सब चीजों का जो ऑब्जेक्ट है वो सब उन तक कम्युनिकेट कर दिया जाए। और अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली है उनके माइंड में उस चीज जो चीजें हैं जो आप ऑब्जेक्ट प्रेजेंट कर रहे हो उन सब चीजों के बारे में भी इमेज बनता जाएगा और एक कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होता जाएगा और वो उन्हीं कॉन्सेप्ट में बना रहेगा, वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। तो ये आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है और ये पहले से आपको सोच के चलना है कि किस चीज के लिए मुझे क्या एसोसिएट करना है, किस चीज को एसोसिएट करना है। हालांकि ये चीज वहां लिखना नहीं है, वो आपके माइंड में होना चाहिए उस समय, भले आप रफ में लिख लें। विजुअली इंपेयर्ड को भी मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि मैं ये केवल साइटेड ऑर्गेनाइजर के लिए कह रहा हूँ, अगर पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तब भी वो इन सब चीजों को एसोसिएट करें और इस बारे में थोड़ा सा घर में बैठ कर या जहां भी हो जब प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उस समय वो अपना एक माइंड में रिवाइज कर ले कि इस ऑब्जेक्ट के लिए मुझे किस चीज का एग्जाम्पल देना है। अभी कॉन्सेप्चुअल वे में वो आगे बढ़ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स आइटम्स, अगर आप कोई ऐसा प्रेजेंटेशन कर रहे हो, क्योंकि प्रेजेंटेशन बेसिक लेवल से लेकर बहुत हाई लेवल के स्तर पर भी हो सकता है और आजकल पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट लो लेवल से हाई लेवल तक जॉब कर रहे हैं, प्रत्येक जगह आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे में जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, कोई डेटा है, कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसको आप सिंप्लीफाई करें, एक सिंप्लीफाई वे में प्रेजेंट करें, क्योंकि साइटेड पर्सन तो देख लेगा। मान लीजिए आपने कहा देखिए टेबल में ये डेटा है और इसमें जो है कहीं पर जो है डेटा ज्यादा है, कहीं पर कम है, हमारी पॉपुलेशन डे टू डे बढ़ रही है, किस प्रकार से बढ़ रही है ये आप देख रहे हो, अगर आप इस तरह से बोलते हो तो वहां पर फिर वो एक गैप आ जाएगा। तो जो इसके अलावा भी अगर कोई टेबल है बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक टेबल के अंदर और भी जो है स्प्लिट करके बहुत सारे कॉलम बने हैं, तो वहां पर समझने में विजुअली इंपेयर्ड को प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो साइटेड तो चलो एक बार देख लेगा, उसको समझने का प्रयास करेगा, लेकिन वहां पर पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट को देखने में प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली है वो उसके माइंड में वो परसेप्शन नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाएं तो कम से कम थोड़ा सा टाइम जो आपने कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन लिया है, देखो लेना पड़ सकता है, कई चीजें हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, हाँ उसको सिंप्लीफाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद भी अगर कुछ रह गया है कॉम्प्लेक्सिटी तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा टाइम उसमें उसके लिए बचाएं, उसके लिए टाइम रखें कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लें। और अगर मान लीजिए हाफ एन आवर का आपका प्रेजेंटेशन है तो उसमें से कुछ टाइम कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन के लिए रखें, कि आप ऐसा नहीं कि हाफ एन आवर के लिए ही आपने पूरा प्रेजेंटेशन बना दिया और आप धड़ाधड़ बोलते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कितना टाइम देना पड़ेगा उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम बचा के रखें और उसी के अनुसार अपने जो प्रेजेंटेशन है उसको थोड़ा कम कर लें, लेकिन अच्छा दें, क्वालिटेटिव दें, है ना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि उसमें समय अलॉट कर लें अपने माइंड में कि मुझे इस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन के लिए इतना टाइम लग सकता है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको वर्बलाइज करने के लिए, तो मुझे इस टाइम को छोड़ के बाकी टाइम में फिर मुझे प्रेजेंटेशन करना है उतना टाइम होगा। मतलब आधा घंटे में मान लो हाफ एन आवर का है तो 5 मिनट उसमें लग सकता है या 2 मिनट लग सकते हैं, तो आप केवल अगर 5 मिनट लग रहा है मान लीजिए तो आप 25 मिनट्स का अपना प्रेजेंटेशन बनाइए, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करने का आपका वो एक्स्ट्रा टाइम है ना। तो इस एंगल से भी आपको सोचना जरूरी है जो मुझे लगता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है जब आप प्रेजेंटेशन बनाओगे, और तभी ये काम किया जा सकता है जो भी ऑर्गेनाइजर होगा उसको ये विशेष रूप से ध्यान देना है। आगे अगर हम देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो बहुत कॉमन है और सबको पता ही है, फिर भी मैं इसको एक बार एक तरह से यहां पर इंडिकेट कर देता हूं, इंक्लूड कर रहा हूं, वो यही है कि पावर बैकअप। कभी भी आप कोई भी अगर वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं
पावर बैकअप का विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि पावर बैकअप नहीं है तो आप कभी भी डिसकंटिन्यू हो सकते हैं और वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। आप तो डिसकंटिन्यू हो गए, अब जो पार्टिसिपेंट हैं उनको पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं उस साइड। तो ऐसे में, और ऐसे में हो सकता है कि कोई छोड़ के भी चले जाए, या फिर उसमें जो कॉन्सेप्ट थी समझ में आ रहा था, एक एक कंटिन्यूटी बनी हुई थी, वो कंटिन्यूटी जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगी या डिसकंटिन्यू हो जाए, डेफिनेटली डिसकंटिन्यू होगा। और उसमें फिर आपका टाइम भी वेस्ट हो, दोबारा फिर उसको कंटिन्यू करना, कनेक्ट करना, फिर आप दोबारा पावर लाओगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप कोशिश करें कि जो भी ऑर्गेनाइजर हैं वो पावर बैकअप को लेकर चले, और स्पेशली आपका जो हब है या स्विच है या राउटर है उसमें भी पावर बैकअप का होना जरूरी है। मान लीजिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये पर्सनली मुझे भी प्रॉब्लम आई, तो इसमें ये हो सकता है कि आपका आपका लैपटॉप है उसमें तो पावर है, चलिए आप मान लीजिए, चलो मेरे लैपटॉप में मान लीजिए 3 घंटे खींच सकते हैं या 4 आवर्स चल सकता है, ये क्लियर हो गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे, अचानक लाइट चली गई और राउटर बंद हो गया, क्यों? क्योंकि राउटर में पावर नहीं था, राउटर में पावर बैकअप नहीं था, सॉरी, राउटर में पावर बैकअप नहीं था। तो आपने क्या किया, होलिस्टिक अप्रोच को नहीं अपनाया, वहां पर आपने वन साइडेड डिसीजन लिया कि मेरे लैपटॉप में पावर है ये चल जाएगा, लेकिन जहां से इंटरनेट आ रहा है, आजकल तो रास्ता भी जरूरी है, अगर रास्ता ब्लॉक हो जाए तो आप नहीं चल सकते, है ना, ये सबको पता है। तो उसी प्रकार से हमारा जो ये नेट कनेक्टिविटी है यही आप तक पहुंचा रहा है, यही हमारा एक रास्ता है। तो अगर ये राउटर उस समय डिसकंटिन्यू हो गया तो तब आपको ध्यान आएगा कि ये राउटर तो डिसकंटिन्यू हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्क्रीन जो है बिल्कुल स्टेबल है, जैसा कि कुछ देर पहले मेरे पास मेरे साथ हो गया था डिसकंटिन्यू हल्का सा। तो अगर ये स्टेबल होता है उस समय, मुझे पता नहीं चला, क्योंकि स्टेबल हो जाता है स्क्रीन, जो भी है करंटली जो डिस्प्ले हो रहा है वही उसमें रहता है, क्योंकि आपका लैपटॉप तो प्रॉपर चल रहा है, लेकिन वहां से आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि नेट नहीं है। तो आप तो बोलते जा रहे हो और आपने वेबिनार भी खत्म कर दिया, और वहां मालूम चला कि हमारा राउटर में कनेक्टिविटी नहीं था और वो डिसकंटिन्यू पहले ही हो चुका है, और आपका जो वेबिनार है उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो मीनिंगफुल नहीं रहेगा। तो इसीलिए एक हार्डवेयर का एक होलिस्टिक अप्रोच में देखना बहुत जरूरी है इन सब चीजों को। मेरा ये मानना है कि इन सब चीजों को जब भी हम प्लानिंग करें एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर करें, ऐसा नहीं कि जो कोऑर्डिनेटर हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर होती है कि वो ये देखें कि पावर बैकअप है या नहीं है, है ना, और साथ ही साथ ये भी देखें कि भाई स्पीकर को हमने अवेयर कराया नहीं कराया, मैं प्रोसेस को वो कर दे रहा हूं, और साथ ही साथ हार्डवेयर हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉपरली है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो काफी हद तक आप एक्सेसिबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, और एक्सेसिबल वे में आप वेबिनार रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, और एक मीनिंगफुल वे में और इफेक्टिव वे में जो है विजुअली इम्पेयर्ड को अपने जो वेबिनार है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मेन मेन पॉइंट्स थे, है ना, हालांकि इसमें से बहुत सारे पॉइंट कॉमन भी होंगे और बहुत कुछ आप जानते भी होंगे, लेकिन मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सब पॉइंट पर अपने वहां पर एक SOP बना लीजिए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना लीजिए, कि जब भी आप कोई भी वेबिनार करोगे ये सब चेक पॉइंट होंगे, इन सब चीजों को आपको देखना ही देखना है। तो इतना ही मेरे तरफ से कहना है फिलहाल, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र नेगी जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबको बताने का प्रयास किया कि जब हम किसी वेबिनार को हम कंडक्ट करते हैं तो वो वेबिनार इंक्लूसिव मैनर में कैसे किस प्रकार से होना चाहिए, या कौन कौन से ऐसी आइडियाज़ हैं या ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने की ज़रूरत है, ताकि ये वेबिनार स्पेसिफिकली विजुअल डिसेबल के लिए ना हो,
और हम ये इंक्लूसिवनेस लिए हुए हो सभी के लिए हो, माने जो एक लास्ट लाइन पे भी जो बंदा बैठा है वो भी हमारे साथ जुड़ सके, यही हमारा सबका उद्देश्य है। और एक्सेसिबिलिटी का उद्देश्य भी यही है कि हर एक व्यक्ति को हम फैसिलिटेट कर सके और अपनी सुविधाएं जो हैं वो दे सके। सर ने जैसा बताया कि जब हमको वेबिनार ऑर्गेनाइज करना है एक्सेसिबल मोड में, तो हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी हमारा बिल्कुल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। साथ में साथ ब्लाइंड के लिए और लो विजन के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए, तो ये सर ने हमको बहुत बताने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आप सभी पार्टिसिपेंट्स के मन में कुछ प्रश्न अवश्य होंगे, प्रश्न हम सबसे लास्ट में लेंगे, एक्सपर्ट की सलाह उस प्रश्नों के उसके आंसर लास्ट में लेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री अमित सिंह नेगी जी को। ये एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट हैं और अपनी सर्विसेज जो है मॉडल स्कूल के जो विजुअली डिसेबल बच्चे हैं उनको दे रहे हैं और साथ में एक्सेसिबिलिटी फीचर्स पर अपना काम भी कर रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा श्री अमित सिंह नेगी जी को, वो आए और अपनी बात रखें कि किस प्रकार से एज ए पार्टिसिपेंट्स हमको किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए। स्वागत है अमित सिंह नेगी सर आपका। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर पंकज सर का और साथ में सुनील सर का कि जिन्होंने मेरे को प्रोग्राम में इनवाइट किया और इस काबिल समझा कि मैं आप सभी के बीच में अपनी बातों को रख सकूं और इस वेबिनार में जो आज इस एक्सेसिबल को देखते हुए बनाया गया है कि कैसे हम अपने वेबिनार्स को कंडक्ट कर रहे हैं और उसमें कैसे पार्टिसिपेंट अपने आप को ज्वाइन कर पाएगा। तो मेरा जो टॉपिक है कि पार्टिसिपेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना है उस पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राजेंद्र सर ने बहुत सारी बातें अभी बताई कि कैसे ऑर्गेनाइजर को ध्यान रखना है, वही सब बातें एक फॉलो करनी पड़ती है हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी। तो मैं किक करके बताना चाहूंगा, सबसे पहले हमारे पास दो प्रकार की डिवाइसेज हैं, फिर चाहे हम उसको मोबाइल से यूज कर रहे हैं फिर चाहे हम उसको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से यूज कर रहे हैं, दोनों में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो सबसे पहले मैं प्लेटफॉर्म लेके चलूंगा एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जो हमारे मोबाइल्स वगैरह यूज कर रहे हैं। मोबाइल में हमें किस तरीके से उसको यूज करना है वो हमें आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर जो हमने अभी तक देखा है जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज्यादा करके हमारे मोबाइल यूजर्स हैं। तो मोबाइल यूजर्स के लिए किस ऐप को, सबसे पहले हमारे लिए ये देखना है कि हम ऐसा कौन सा ऐप ले रहे हैं, और ज्यादा करके डिपेंड करता है हमारे ऑर्गेनाइजर के ऊपर कि ऑर्गेनाइजर ऐसा कौन सा ऐप यूज करवा रहा है कि जिससे हम उसको आसानी से यूज कर पाए और उसमें कनेक्ट हो सके। जैसे अभी सर ने बताया था कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम एक ऐसा ऐप को सिलेक्ट करें कि जिससे आसानी से एक पार्टिसिपेंट जुड़ सके, जिसमें सर ने एक एग्जाम्पल दिया था गूगल मीट का, और हमारी जो आज की मीटिंग हो रही है वो भी गूगल मीट से हो रही है। वैसे तो बहुत सारे ऐप हैं और मैंने इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे वेबिनार्स में अलग अलग ऐप के थ्रू ज्वाइन किए थे अपने वेबिनार्स को, लेकिन अभी तक के रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि जो भी अभी तक हम लोगों ने रेस्पॉन्स पाया है वो सबसे बेस्ट अभी जो रेस्पॉन्स हमें मिला है वो गूगल मीट का मिला है। क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम किसी भी वेबिनार में किस तरीके से अपनी उस मीटिंग को ज्वाइन कर पाए, क्योंकि ज्वाइन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ज्वाइन ही नहीं हो पाएगा तो हमारे लिए वो वेबिनार कहीं से कहीं तक भी फायदेमंद नहीं हो सकता। तो जैसे कि गूगल मीट, उसमें बहुत आसान है कि कैसे हम उसको आसानी से ज्वाइन कर पाए। अक्सर ज्वाइन करने के लिए जो हमें तरीका मिलता है, अक्सर एक लिंक हमें दिया जाता है, फिर चाहे वो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा मिल रहा हो या फिर डायरेक्ट SMS के थ्रू भी मिल रहा हो, तो उसमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो एक कोड होता है। उस कोड को या तो हम डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, और या तो फिर हम उसको आसानी से, अगर हम उस कोड को कहीं पे पहले लिख लें फिर उसको आसानी से वहां पर कॉपी पेस्ट, या फिर अगर हम उस कोड को याद कर सकते हैं तो आसानी से उसको वहां पर लिख भी सकते हैं, देन उसके बाद हमें उसको ज्वाइन करना है। अब कई बार होता क्या है कि अगर हम अपने किसी सोशल मीडिया, फॉर एग्जाम्पल एक व्हाट्सएप का अगर मैं ले लेता हूँ, अगर ज्यादा करके जब हमें व्हाट्सएप में कोई भी लिंक इस तरीके से मिलता है हम सिंपली क्या करते हैं उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को आज का जो ये लिंक मिला और मेरे फोन में अगर गूगल मीट ऐप नहीं है,
तो वो हमें सिंपली एक ऑप्शन देगा कि आप सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और या फिर हमें एक ऑप्शन देगा कि अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो उसको आसानी से आप किसी भी जो भी आपके फोन में ब्राउजर है आप उसके थ्रू उसको चला सकते हैं। अक्सर अगर हम किसी भी मोबाइल से अगर इसको यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है कि हम उसका ऐप इंस्टॉल कर लें ताकि हम आसानी से उसमें काम कर सकें। वो सारे फीचर्स हमें आसानी से मिल सकते हैं एक ऐप के माध्यम से, तो बेटर ये रहेगा हमारे लिए कि हम उस ऐप को इंस्टॉल करें, और जैसे ही वो हमें एक प्ले स्टोर में, अगर हम एंड्रॉइड यूजर हैं तो हमें प्ले स्टोर में लेके जाएगा, देन उसके बाद हम उसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद हम उसमें सबसे पहले हमें अपने आप को एनरोल करना पड़ेगा। फिर जिस भी ईमेल आईडी से, अगर अक्सर लोग एक सिंगल आईडी से भी अपने आप को रखते हैं अपने एंड्रॉइड यूजर्स में जो भी हम डिवाइस यूज कर रहे हैं, और कई लोग दो आईडी को भी उसमें साइन इन करके रखते हैं, तो वो हमसे पूछेगा कि आप किस आईडी से उसको साइन इन करना चाहते हैं, तो देन उसके पास जो भी हमें लगता है हम उसको उस तरीके से साइन इन कर सकते हैं अपने जिस भी प्लेटफॉर्म में अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं। जैसे अभी मेरे पास दो आईडी थी, तो मैंने जो मेरी पर्सनल आईडी है मैंने उससे अपने आप को साइन इन किया है, देन उसके बाद फिर वो हमसे पूछेगा कि आप मीटिंग को क्रिएट करना चाहते हैं फिर या फिर मीटिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर वो आपसे पूछेगा कि आप उसमें कोड को इंसर्ट कीजिए, देन फिर आपको जो कोड दिया गया है अगर आप लिंक के थ्रू गए हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आपका वो जो कोड होगा वो वहां पर ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर कई बार हमें किसी और माध्यम से अगर हम लोग जा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास वो कोड वहां पर नहीं आ पाता है। तो कई बार हमारे काफी सारे यूजर्स या फिर पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं वो उसको समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हम कैसे उसको ज्वाइन करें। तो इस इशू के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर हमें वो कोड नहीं मिल पा रहा है तो फिर हम जहां पे भी जिस भी माध्यम से आपको कोड मिला है, कोड की पहचान का एक बहुत इजी तरीका है जो गूगल मीट का है, वो आपको मिलेगा 10 डिजिट का कोड होता है और उसको सेपरेट किया गया है 2 हाइफन लगा के, यानी फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स होंगे, देन फिर उसके बाद एक हाइफन होगा, देन फिर उसके पास 4 कैरेक्टर होंगे, फिर एक हाइफन होगा, फिर 3 कैरेक्टर्स होंगे। तो जहां पे भी आपको ये कोड इस तरीके से कोड नजर आ रहा है तो आप उसको आसानी से कहीं पे नोट कर लीजिए, देन उसके बाद फिर उसको आसानी से जहां पे भी आपको एंटर कोड दे रहा है आप उसको एंटर कोड को एंटर कर दीजिए। कोड को एंटर करने के बाद फिर वहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है प्रेजेंट नाउ का और एक मिलता है ज्वाइन अस का। अब कई बार हमने देखा है कि जो हमारे यूजर्स होते हैं वो अक्सर क्या प्रॉब्लम करते हैं कि वो प्रेजेंट नाउ में क्लिक कर देते हैं, जबकि प्रेजेंट नाउ में क्लिक ना करके हमें सबसे पहले अगर उस मीटिंग को ज्वाइन करना है तो हमें ज्वाइन अस पे क्लिक करना है, क्योंकि दोनों का मीन अलग है। सबसे पहले हम जब ज्वाइन अस पे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो हमें एकदम से हम उसमें ज्वाइन नहीं होंगे। कई बार यूजर्स करते क्या है कि उसमें ज्वाइन हो जाते हैं जैसे ज्वाइन पे क्लिक करेंगे और वो ज्वाइन हो नहीं पाए, मीटिंग में ज्वाइन हो नहीं पाए, उनको लगता है कि पता नहीं क्या इशू हो गया, वो फिर उस ऐप से बाहर आ जाएंगे, फिर उस ऐप में जाएंगे, फिर सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन वो थोड़ा वेट नहीं करते हैं। अब उनको पता नहीं है कि जब उन्होंने ज्वाइन अस पे क्लिक किया है तो उसके बाद का प्रोसेस है क्या। अक्सर अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं उन सभी यूजर्स के लिए बताना चाहूंगा कि अगर जैसे ही आपने ज्वाइन अस पे क्लिक किया है तो आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजर ने वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है उसके पास वो परमिशन जाएगी पहले कि आपको एडमिट करना है कि नहीं करना है। जब तक कि वो व्यक्ति एडमिट नहीं करेगा तब तक आप उस मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और परमिशन के लिए भी आपसे पूछेगा कि आप क्या उनसे चाहते हैं एडमिट होना, तो जब तक आप आस्क मी परमिशन नहीं करेंगे तो उनके पास परमिशन नहीं जाएगी। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि आप ज्वाइन करने से पहले आप उस पर क्लिक करेंगे आपकी परमिशन जाएगी, जब तक वो परमिशन एक्सेप्टेड नहीं होगी तब तक आप उस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है अपनी उस मीटिंग के लिए, फिर उसके बाद हम उसको आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे। अब हम ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन ज्वाइन करने के बाद करना क्या है। अक्सर प्रॉब्लम आती है कि कई सारे यूजर्स अपना माइक ऑन कर लेते हैं, कई सारे यूजर्स अपना वीडियो भी ऑन कर लेते हैं, यानी हर तरीके से वो अपना आपको ऑन कर देंगे। अब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो ऑर्गेनाइजर है, जो हमारा मेन स्पीकर है, जो हमें कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, कोई भी अपना
लेक्चर दे रहा है तो उस दौरान होता क्या है कि जब सामने वाले का माइक ऑन रहेगा और हमारा भी माइक ऑन रहेगा तो उस कंडीशन में एक ही प्रॉब्लम होती है कि हमारा साउंड इको करना शुरू कर देता है। अभी जैसे सर दे रहे थे हमें, अभी लेक्चर दे रहे थे हमारे नेगी सर, तो उस दौरान बीच में एक दो बार माइक ऑन हो गया था किसी पार्टिसिपेंट का, तो वहां पे थोड़ा सा साउंड डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो गई थी। इस ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे बीच में ना आए इसलिए हमें तब तक अपना माइक ऑफ रखना है कि जब तक कि हमें बोला ना जाए कि अब आप कुछ बोल सकते हैं। उसमें भी हमें ध्यान देना है कि अगर ऑलरेडी कोई और खड़ा हो चुका है बोलने के लिए तो उस दौरान हमें अपनी आवाज पे ध्यान देना है कि हमारा माइक तब तक ऑन ना हो जब तक कि किसी और ने ऑन कर रखा है। दूसरा चीज, अब हमारे पास ज्वाइन हमने कर लिया, माइक भी हमने ऑफ कर लिया, अब उसके बाद हमें करना क्या है। अब मोस्टली हम लोग एक चीज और प्रॉब्लम देखते हैं कि काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, अपना सिर्फ सिंपली एक मोबाइल लिया, मोबाइल लेने के बाद आसानी से उसको लेकर बैठ गए। अब जब वो सुनने की कोशिश करते हैं तो उसमें साउंड प्रॉपर नहीं आता है। अब व्यक्ति को बोलना भी है और उसी डिवाइस से सुनना भी है, यानी उसी से साउंड इन भी हो रहा है, उसी डिवाइस से साउंड आउट भी हो रहा है, इनपुट आउटपुट दोनों चल रहा है, जिस वजह से जब वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है व्यक्ति, तो उस समय क्या होगा कि सामने वाले को इको एकदम अपने आप को भी सुनाई देगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि हमें ईयरफोन का यूज जरूर करना है। अगर हम ईयरफोन का यूज नहीं कर रहे हैं तो हम उस मीटिंग में जो भी कुछ बोला जा रहा है वो हम प्रॉपर सुन नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें माइक लगाना बहुत, अपना ईयरफोन या हेडफोन हम जो भी लगाना चाहते हैं उसको आसानी से लगा सकते हैं और माइक ऑफ जरूर रखना है। अब वीडियो कैमरा जो हमारा है वो ऑन कब करना है कब नहीं करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कई बार ये होता है कि हमारी मीटिंग अगर दोपहर की है और सुबह तक हमने अपना डेटा इतना यूज कर लिया है, अगर हमारे पास कोई हाई स्पीड या फिर अनलिमिटेड पैक्स अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में अगर हमारे पास पर डे का कुछ लिमिटेड डेटा है, फॉर एग्जाम्पल 1 GB या 1.5 GB 2 GB अगर हमारे पास पर डे का रहता है, लेकिन दोपहर तक आते आते हम लोगों ने काफी सारा डेटा अपना यूज कर लिया है लेकिन हमें मीटिंग भी अटेंड करनी है, तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे अपने डेटा को बचा सकते हैं। तो सबसे बेटर है कि आप वीडियो तभी अपनी ओपन करें जब आपको लगता है कि हाँ ये ऐसी कुछ चीज बताई जा रही है कि जिसको सुनने से ज्यादा देखना इम्पोर्टेंट है। कुछ यूजर्स हो सकते हैं हमारे विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स में, जो टोटली विजुअल इम्पेयर्ड हैं उनके लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन जो हमारे अपने पार्शली पर्सन्स हैं या फिर हमारे साइटेड पर्सन्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप वीडियो को तभी अपना बना के रखें जब अगर आपके यहाँ या तो स्पीड स्लो हो या फिर अपना डेटा आप थोड़ा सा कंज्यूम होने से बचा सकते हैं, तो आप अपने वीडियो को रोक के रख सकते हैं या फिर अपने कैमरा को ऑफ कर सकते हैं। इसी के साथ हमें और किन किन बातों पर ध्यान देना है कि अब डिवाइस में हमारे पास आता है एक इशू कि हम जब कुछ भी अपनी बात बोल रहे हैं और हमने अगर माइक ऑन कर दिया है या फिर कैमरा ऑन कर दिया है तो विजुअली इम्पेयर्ड के साथ एक प्रॉब्लम आता है कि वो उसमें बटन ढूंढने की कोशिश करता है कि कैसे उसको ऑन ऑफ करना है, चाहे माइक का हो फिर चाहे वो कैमरे का हो, तो उसको काफी उसको स्वैप करना पड़ता है क्योंकि वो जो बटन है माइक का बटन है या फिर वीडियो का बटन है वो पर्टिकुलर एक पोजीशन पे नहीं है, तो हम उसको कहाँ पर जाके ढूंढेंगे। कई बार क्या होता है कि हमने चैट वाला स्क्रीन ऑन कर लिया तो फिर उस कंडीशन में हमें कहाँ पर मिलेगा, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसे कोई ऑप्शन अगर छेड़ लेते हैं तो हमें फ्रिक्वेंटली अगर, और वो भी हम अगर विदाउट ईयरफोन अगर इसका यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत टिपिकल हो सकता है। उन सब चीजों से हमें बचने के लिए अपना ईयरफोन को कनेक्ट करके रखना है और आसानी से जब उसको स्वैप करेंगे तो हमारा जो स्क्रीन रीडर हम यूज कर रहे हैं, अगर डिवाइस की बात करें आप लोग अगर टॉकबैक यूज कर रहे हैं तो उसमें आसानी से हमें स्क्रीन रीडर की आवाज आएगी और उसको आसानी से अगर हमें ऑन या ऑफ करना है तो आसानी से हम वो भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम डिवाइस के अलावा अगर लैपटॉप की बात करें, अगर हमें लैपटॉप में अगर अपने इसी गूगल मीट ऐप को अगर ज्वाइन करना है तो उसको हम कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कहीं से हमारे पास लिंक आया फिर हम उस पर क्लिक करें तो हमें डायरेक्ट मीटिंग ऐप में लेके जाएगा, तो हमारे पास डेस्कटॉप में ऐसा कोई अभी फैसिलिटी नहीं है। तो उसके लिए जो कंडीशन मैंने आपको पहले बताई है कि आप
वो जो कोड है उसको पहले आप कहीं पे लिख के रख लीजिए, कॉपी करके रख लीजिए, और अपने ब्राउजर में जब आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर का चुनाव करना है कि आप ऐसा कौन सा ब्राउजर चुने कि जिसमें आपको एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम भी ना आए और आसानी से आप उसको यूज कर सकें। तो जिसमें से कि जैसे कि गूगल मीट गूगल का है, और वैसे ही अगर हम ब्राउजर देखते हैं गूगल क्रोम तो ये भी एक गूगल का है, तो उसमें आसानी से हम गूगल क्रोम में अगर इसको चलाते हैं तो हमें किसी भी दूसरी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर हम एक इंटरनेट एक्सप्लोर की अगर बात करें तो वहां पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, हमें वो कुछ एड ऑन्स करने के लिए कहेगा जिसमें हमें वो मीटिंग अटेंड करने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो रिकमेंडेड करूंगा मैं कि अगर आप अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में यूज कर रहे हैं तो अपना गूगल क्रोम ब्राउजर में उसको यूज करें, और डायरेक्ट एड्रेस बार में जाके लिख सकते हैं meet.google.com में। जैसे आप वहां पे इस एड्रेस को डालेंगे तो आपको वहां पे फिर से वो ज्वाइनिंग के लिए पूछेगा और क्रिएट के लिए पूछेगा, क्योंकि हमें अगर मीटिंग ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन के लिए सेम प्रोसेस कोड मांगेगा, कोड आपको वहां पे पेस्ट कर देना है, देन ज्वाइन उसको कर देना है। ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ पर कुछ परमिशंस आएंगी, जैसे कि एक परमिशन तो वही आएगी कि आपको मीटिंग अटेंड करनी है कि नहीं करनी है, आस्क मी आपको परमिशन मांगनी है, तो आस्क मी जब तक आप नहीं करेंगे तब तक सामने वाले के पास मीटिंग नहीं जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आप अपना ब्राउजर से अपना मीटिंग ओपन करते हैं यानी कि ज्वाइन करते हैं तो आपका बाय डिफॉल्ट माइक एंड कैमरा दोनों के दोनों ओपन हो जाते हैं। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि जैसे ही ये ओपन हो जाएंगे तो आपको इसको ऑफ कर देना है ताकि आपको फिर सेम प्रॉब्लम जो हमें डिवाइस में आ रही थी वो यहाँ पे ना बने। और यहाँ पर ऑफ करने के लिए दोनों ही चीजों को, फिर चाहे वो माइक हो फिर चाहे वो आपका कैमरा हो, यहाँ पर आपको एक कमांड मिल जाती है, आपको यहाँ पे कहीं पर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आसानी से उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर कमांड दी जाती है Ctrl+D, यानी कि अगर आपको माइक अपना ऑन या फिर ऑफ करना है, एक बार अगर आप Ctrl+D करेंगे, अगर ऑन हो रखा होगा तो ऑफ हो जाएगा, और फिर अगर आप उसको ऑन किए हुए माइक को अगर ऑफ करना चाहते हैं तो वापिस से आप उसको Ctrl+D कर सकते हैं। जैसे ही आप ये करेंगे तो आप तुरंत अपने माइक को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपको कैमरा ऑन या फिर ऑफ करना है, अगर ऑन है तो Ctrl+E तो ऑफ हो जाएगा, और वापिस अगर ऑन करना है तो Ctrl+E करेंगे तो फिर वापिस से वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पर हमें ये चीजें देखना बहुत जरूरी है कि कैसे हम इसको ऑन ऑफ करेंगे, और इजी वे में जब भी हम लैपटॉप या डेस्कटॉप में करते हैं, अभी जो मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रखा हूँ, मैं अभी भी एक लैपटॉप से कनेक्ट हो रखा हूँ जिसमें मेरे को आसानी होती है कि अगर मेरे को किस तरीके से माइक ऑन करना है, कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, तो यहाँ पर मेरे लिए काफी ईजी हो जाता है। तो मोस्टली दूसरा कि अगर हम इसके साथ साथ और भी चीजें देखें, एक ऑप्शन जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे भी हमें वही चीज ध्यान देखनी है कि हमें प्रेजेंट नाउ पे क्लिक नहीं करना है। अभी जैसे बीच में सर ने बोला भी था कई लोग प्रेजेंट पे क्लिक कर रहे थे, अब मैं आपको लेके आता हूँ कि प्रेजेंट से होता क्या है। जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ज्वाइन करने के बाद आप कैसे प्रेजेंट पे जब क्लिक करेंगे तो आखिर प्रेजेंटेशन का मतलब है क्या। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे आप लोगों को, अगर आप सभी के सिस्टम में कोई स्क्रीन शेयर करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर कोई चीज एमएस वर्ड या एक्सेल पावर पॉइंट का कोई भी प्रेजेंटेशन बना के दूं या फिर कोई वीडियो चला के दिखाऊं, तो जो मेरे लैपटॉप में चलेगा वही सब आपकी स्क्रीन पे आएगा। प्रेजेंटेशन का जो मतलब है वो यहाँ पर ये होता है कि अगर आप मेरे सिस्टम में जो चल रहा है, जो मैंने अपनी स्क्रीन में चला रखा है, वही सब आपकी स्क्रीन पर भी आएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन का मतलब ये है। इसीलिए आप लोग जब भी ज्वाइन करते हैं, अगर आपको सिंपली आप एक पार्टिसिपेंट हैं और अगर आपको सिर्फ सुनना है तो आप प्रेजेंट पे जो बटन आपको दिया गया है प्रेजेंट वाला, उस पर आप क्लिक बिल्कुल भी ना करें और आसानी से अपनी उस मीटिंग को अटेंड करें। हाँ, अगर कहीं पर आपको बोला गया है कि अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी है तो फिर देन आप प्रेजेंट नाउ का बटन शेयर वाला जो आता है उस पर आप उसको आसानी से क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट नाउ के बाद भी फिर वो आपसे पूछता है कि प्रेजेंट आपको क्या करना है, होल स्क्रीन करना है या फिर एक लिमिटेड स्क्रीन करना है, फिर उसके बाद आपसे पूछेगा शेयर स्क्रीन। जब तक आप शेयर स्क्रीन पे क्लिक नहीं करेंगे
तब तक आप उसको चला नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको इन सभी चीजों पे अपना शेयर स्क्रीन का भी ध्यान देना है और कैसे कैसे आप प्रेजेंट नाउ पे जाएंगे उन चीजों पे भी आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम कि अगर हमें अपना इंटरनेट अपना मोबाइल या फिर लैपटॉप से अगर हम यूज कर रहे हैं तो किन किन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम चाहे अगर डिवाइस की बात करें तो चाहे फिर लैपटॉप हो या फिर हमारा हमारा मोबाइल हो, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा हमें एक ईयरफोन और ईयरफोन के साथ साथ में हमें चाहिए एक अच्छा स्पीड का इंटरनेट। फिर चाहे वो हम पर डे वाला प्लान ले रखा होगा, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से उसको ले रखा है। तो वो हमें ध्यान देना है कि आपको इंटरनेट भी अच्छा चाहिए, तब भी आप अपनी उस मीटिंग को अटेंड कर पाएंगे। अदरवाइज आप मीटिंग अच्छे से अटेंड नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, उसमें नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा आएंगे। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, अपना इंटरनेट बनाए रखें। साथ ही साथ अगर लैपटॉप पे इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं तो जैसे निगी सर ने बताया कि आपका जो राउटर है उसका बैटरी बैकअप वो बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे अभी मैंने अपना लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है अपने मोबाइल से, तो इस समय जो मेरा मोबाइल एक डिवाइस है वो इस समय एक राउटर का काम कर रहा है, तो मेरे उस राउटर पे प्रॉपर एक चार्ज होना बहुत जरूरी है। अब कई बार हम देखते हैं कि कई लोग, जैसे मैंने अभी खुद एक अपने मोबाइल से यूज कर रखा है, अब उस बीच में क्या होता है कि अगर मेरे फोन में कोई कॉल आ गया और कॉल आने के बाद उस दौरान अगर मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, अब मैं सोचूंगा कि मैंने तो कोई कॉल रिसीव नहीं किया है या फिर मैंने उसको साइलेंट करके रखा, मुझे नहीं पता चल पाया कि उसमें कॉल आया कि नहीं आया, तो उस बीच में जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो बंद हो सकती है। तो वो इंटरप्ट ना हो इसलिए भी हमें ध्यान रखना है कि उस दौरान हमें अपने फोन के वो फीचर्स ऑन कर देने हैं कि ताकि हमारे पास कॉल की वजह से हमारे पास डिस्टर्बेंस ना आ पाए, तो ये भी हमें सोच के चलना है। इसके अलावा अब हमें एक ऑप्शन मिलता है हमारे मीटिंग ऐप के अंदर, एक मिलता है चैट ऐप, यानी कि हमें चैटिंग करनी। कई बार क्या होता है कि हमें बोलने की परमिशन नहीं है, हमारे माइक्स ऑफ कर रखे हैं। अगर आपको कुछ बोलना है, अगर ऑर्गेनाइजर द्वारा हमारे माइक ऑफ कर रखे हैं, तो उस कंडीशन में हमें चैट ऑप्शन दिया जाता है। अगर हम अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, हो सकता है कि हमारे पास प्रॉपर साउंड ना आ पा रही हो या फिर हमें प्रॉपर वीडियो ना नजर आ रहा हो, तो हम चैट के थ्रू वहां पे बता सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहूंगा कि अक्सर हमें एक प्रॉब्लम और आती है, अगर हमें कई बार वेबिनार में कुछ ऐसी बातें मिल जाती है सीखने के लिए पार्टिसिपेंट के लिए कि हमें वो उसके कुछ नोट्स वगैरह अगर बनाने हैं, तो अगर मैं लैपटॉप से अगर उसका यूज कर रहा हूँ तो मेरे लिए बड़ा इजी रहता है। मैंने एक तरफ अपना स्क्रीन चला के रखा हुआ है और दूसरी तरफ मैंने उसी में अपना एक मल्टीटास्किंग करके चाहे नोट पैड, वर्ड पैड या फिर एमएस वर्ड का कोई भी फाइल ओपन करा हुआ है, डायरेक्ट विदाउट किसी अदर डिवाइसेस के मैं अपने नोट्स को वहीं पर क्रिएट भी कर सकता हूं। क्योंकि अगर मैं मोबाइल पे यूज कर रहा हूं तो वहां पे मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो बेटर ये रहेगा कि अगर हमें कंप्यूटर पे चलाना आता है इन सभी चीजों को, तो हम आसानी से उसको चला सकते हैं। अपने इन्हीं सभी बातों को हमें ध्यान रखना है। और पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी कोई मीटिंग अटेंड करें तो अपने आप को इस तरीके से सोच के चलें कि हमने उस वेबिनार मीटिंग्स में कुछ सीखना है। आज के ज़माने में जैसे हम देख रहे हैं कि खासकर विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन के लिए, जब तक कि वो अपने क्लासेस में रहते हैं उनको लगता है कि नहीं, हमारे लिए कंप्यूटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो कंप्यूटर को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बात कहना चाहूँगा कि हमें अगर आज अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। सभी सब्जेक्ट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, उसी के साथ साथ हमारे लिए कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम कंप्यूटर को नहीं सीख पा रहे हैं तो हमारे हमारे लिए ऑर्गेनाइज करी की गई जितनी भी वेबिनार्स हैं वो हो सकता है हमारे सब्जेक्टिव भी हो सकती हैं, अगर हमें चलाना नहीं आता है तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह सकते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम कंप्यूटर को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर फोकस अपना बनाए रखें। और अक्सर अगर मेरे पास डिवाइस है, चाहे वो मोबाइल का हो फिर चाहे वो अपना लैपटॉप हो, उस पर अपना बैकअप, बैटरी बैकअप हमेशा बनाए रखना चाहिए, ताकि वो
आसानी से हमें बीच में कहीं पे भी इंटरप्ट ना करे। कई बार अक्सर हम लोगों ने देखा है कि काफी सारे मीटिंग के दौरान ही वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मोबाइल पे भी बैटरी बैकअप इतना नहीं है और लैपटॉप पे भी बैटरी बैकअप इतना नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं कि अपना नीचे नोटिफिकेशन में जाके टाइम कैलकुलेटर देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो कितने देर बैटरी में चल पाता है। वो इस बात को भूल जाते हैं कि जिस समय उन्होंने टाइम कैलकुलेशन देखा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा सिस्टम जब मैंने मीटिंग ज्वाइन करने से पहले अगर देखा तो वो दिखा रहा है 3 घंटे 30 मिनट। अब जैसे ही मैंने मीटिंग ज्वाइन करी तो उसके बाद मेरे सिस्टम में क्या क्या चीजें एक्टिव हुई हैं, मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना है क्योंकि इसमें इंटरनेट भी कनेक्ट हुआ है, इसमें वेबकैम भी ओपन हो रखा है, माइक भी ओपन हो रखा है, साथ में स्क्रीन भी ऑन हो रखी है। तो ये सब चीजें जब ओपन होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पावर कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो टाइम पीरियड वो 3 घंटे 30 मिनट का ये सब चीजें उससे पहले दिखा रहा था, हो सकता है उसके बाद वो उसका आधा भी ना रह पाए। तो कई बार हम ये गलतियां कर लेते हैं, हम देखते हैं कि हमारा बैटरी बैकअप फुल है और इतना वो टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा है तो हम आराम से मीटिंग अटेंड कर लेंगे, लेकिन अक्सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि हम बीच पे ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो अपने लैपटॉप को पहले ही चार्जिंग में लगा के रखें, अगर मोबाइल है तो उसको पहले ही लगा के रखें। अक्सर मैंने जो अभी लास्ट टाइम की कुछ वेबिनार्स अटेंड करे थे तो मैंने कुछ वेबिनार्स अपने मोबाइल के थ्रू यूज किए थे, तो एक डिवाइस में, मोबाइल डिवाइस में हमने एक प्रॉब्लम देखी है कि अक्सर वो बहुत ज्यादा हीट हो जाते हैं। अगर हमने उसको चार्जिंग में लगा रखा है तब भी वो हीट होंगे, और अगर हमने चार्जिंग में नहीं लगा रखा है तो तब भी वो बहुत ज्यादा हीट हो जाते हैं, क्योंकि सेम सिचुएशन है, उस पर इंटरनेट भी चल रहा है, उसका स्क्रीन भी 24 आवर्स ऑन है जब तक हम उसको चला रहे हैं, और साथ ही साथ उसका कैमरा भी ऑन हो रखा है। जब इतनी सारी चीजें एक साथ चलेंगी तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम हीट होगा। तो इन सब चीजों के लिए हमारे लिए बेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स के पास अगर लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो वो कोशिश करें कि उसके साथ ज्वाइन करें, लेकिन अगर जिनके पास ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो वो अपने मोबाइल के साथ ही अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मोबाइल के साथ अटेंड कर रहे हैं तो उसमें चार्जिंग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। अब हमारे पास अक्सर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, खासकर डिवाइस में, लैपटॉप की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि लैपटॉप हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहता है चलाने के लिए, क्योंकि इसमें हमें हमारे पार्टिसिपेंट भी नजर आते हैं कि कितने लोग पार्टिसिपेंट हैं, कैसे कैसे वो जुड़ रखे हैं हमारे साथ में, और उनके कुछ नाम हमें शो करेगा, कुछ लोगों के नाम शो नहीं करेगा। जो टॉप 10 नेम्स होते हैं वो हमें स्क्रीन पे शो करता है, और सबसे अच्छी बात ये कि हमें बीच बीच में नोटिफिकेशन मिलती रहती है किन लोगों ने बीच में लेफ्ट कर दिया है, कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं बीच बीच में, उसका भी नोटिफिकेशन हमें सुनाई देता रहता है ताकि हमें पता चले कि बीच में कौन आया, कौन छोड़ के जा रहा है, ये सब चीजें। हो सकता है कई बार वो हमें इरिटेट भी करते हैं, हो सकता है बीच में कोई लेक्चर इतना अच्छा चल रहा है कि हमें उसको बहुत आसानी से सुनना है, लेकिन बीच में जो वो नोटिफिकेशन आती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स देती हैं। तो इन सब चीजों के लिए हमारा जो स्क्रीन रीडर है, जो उसका TTS है, अगर आप उसको टेम्परेली डिसेबल कर लें, जो भी आपके पास कमांड है, जैसे मैं अगर NVDA की बात करूं तो Insert+S, वहाँ पे हमारा TTS बंद हो जाता है। इसी तरीके से जॉज है, उसका भी TTS ऑफ हम कर सकते हैं, तो उस दौरान के लिए, ताकि हम उसको अगर बंद कर रहे हैं तो आसानी से, सिर्फ वॉइस को हम बंद कर रहे हैं कुछ देर के लिए, ताकि वो कुछ देर के लिए बंद हो और फिर आसानी से उसको हम ऑन भी कर सकें अगर हम कोई लेक्चर प्रॉपर सुन रहे हैं तो। लेकिन अगर हम अपनी कुछ बातें कर रहे हैं और हमें अगर उसमें कुछ देखना है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जानना है कि कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कौन लोग छोड़ रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा फीचर है इसका, तो आसानी से हम उसको देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमें कई बार क्या होता है कि अगर हम गलती से बीच में डिस्कनेक्ट हो गए और हमारा बीच में जो हमने मीटिंग ज्वाइन किया था वो हमारा ज्वाइनिंग टूट गया, तो हम फिर से उसको ज्वाइन कैसे करें। जैसे इसके ऊपर हमारे नेगी सर ने भी बात करी थी कि ऑर्गेनाइजर को ध्यान देना है कि ऐसे कौन से एप्लीकेशन है जिसमें रीजॉइनिंग का ऑप्शन बहुत इजी रहेगा। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा फीचर मिलता है कि हम आसानी से, जो हमारे पास रीजॉइनिंग है, गूगल मीट बहुत अच्छा ऑप्शन देता है कि आपको बता भी देता है कि आप किस मीटिंग से कितने मिनट पहले आप उससे डिस्कनेक्ट हुए हैं, और वापिस आपको रीजॉइन का भी वो बटन देता है। जबकि मैंने देखा है कि जो और एप्लीकेशंस हैं उन्में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हीं एप्लीकेशंस में अपना वेबिनार्स को ज्वाइन करने में,
तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देती हैं। तो रीजॉइनिंग के लिए भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि हम किस तरीके से आसानी से उसमें रीजॉइन कर पाएं। कई बार हम लोग उसमें लीव जब हम देखते हैं कि हम मीटिंग छोड़ रहे हैं, अब कई बार जैसी लीव बटन पे क्लिक करते हैं तो कई लोगों को लगता है कि मैं लाइव आ जाऊंगा, उसको लगता है कि मैं लाइव आ जाऊंगा। अब लाइव वो आने के बजाय वो क्या हो जाता है कि वहां से उस मीटिंग से हट जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, हम लोगों ने देखा है अपने पार्टिसिपेंट्स को, बाद में जब उनसे पूछा जाता है कि आप बीच में छोड़ के क्यों चले गए, तो बोलते हैं कि हम तो अपने आपको लाइव लेके आना चाह रहे थे लेकिन वो लाइव की जगह हम वहां से डिसकंटिन्यू हो गए। तो इस चीजों में भी हमें ध्यान देना है कि जब हम लाइव ना होके वो जो बटन है वो लीव बटन है, जैसे हम उसको क्लिक करते हैं तो हम उस मीटिंग से हट जाते हैं, जबकि वो एक वार्निंग देता भी है, पूछता है हमसे कि क्या आप इस मीटिंग से डिसकंटिन्यू या फिर लीव होना चाहते हैं। तो अगर हम उसको हम यस करते हैं तो वहां से बाहर आ जाते हैं। तो इन सभी चीजों का हमें विशेष ध्यान देना है। और एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए बहुत ही इजी है, बहुत ही कन्वीनियंट है कि हम आसानी से इस तरीके के वेबिनार्स को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। फिर चाहे वो अगर एक लेक्चर देना हो, फिर चाहे उसमें प्रेजेंटेशन देनी हो, तो आसानी से हम अपने इस मीटिंग ऐप के थ्रू अपने इस ऐसे वेबिनार्स को कंडक्ट या फिर ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी वाणी को बस मैं यही धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना और डॉक्टर पंकज सर का, सुनील सर का, आप सभी ने मुझे मौका दिया, साथ ही साथ मेरे गुरु श्री राजेंद्र सिंह नेगी सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिनके वजह से आज मैं इतने काबिल बना हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर, आपने बहुत बारीकी से बीइंग अ पार्टिसिपेंट आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है किसी वेबिनार को अटेंड करने के लिए हम सबको बताया, इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी जो समस्या सामने आती है वो प्रेजेंट नाउ की, जब से ये लॉकडाउन हुआ है और जब से वेबिनार की सीरीज NIPVD में शुरू हुई है, तब से हम लोगों ने लगभग 30 से 35 सेमिनार ऑर्गेनाइज किए डॉक्टर पंकज सर की मदद से। हर एक वेबिनार में एक कॉमन जो प्रॉब्लम सामने आती है वो प्रेजेंट नाउ की, शायद जानबूझकर भी, कई बार अनजाने में भी इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो आज के आपके लेक्चर से हमें समझ में आया है, या सबको ही समझ में आया होगा, कि बीइंग अ पार्टिसिपेंट आपको प्रेजेंट नाउ के बटन बिल्कुल भी नहीं दबाने हैं, और आपका माइक जो है, और हो सके तो आपका कैमरा भी आप उसको म्यूट मोड पर ले जाएं, ताकि जो भी रिसोर्स पर्सन हमारे सामने आए हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं, उस उनकी बातों को हम ध्यान से सुन सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। सर, आपने बहुत बारीकी से बताया कि कई बार, बहुत बार पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो अपने मोबाइल से वेबिनार को अटेंड करते हैं, तो जो कॉमन प्रॉब्लम जो आती है वो डेटा की प्रॉब्लम आती है, कॉमन जो प्रॉब्लम आती है वो बैटरी की आती है, इसके साथ साथ जो बैकअप की प्रॉब्लम आती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जहाँ तक हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो सर आपने हमें बताने का प्रयास किया कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसका हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बीइंग अ पार्टिसिपेंट। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे बीच हैं डॉक्टर के श्रीदेवी जी, मैम फैकल्टी हैं AYJ NISH में। मैम का थोड़ा मैं परिचय देना चाहूँगा, मैम जो हैं फैकल्टी हैं AYJ NISH में, इनका जो रीजनल सेंटर है सिकंदराबाद में। मैम स्पीच और हियरिंग के फील्ड में काम कर रही हैं, लगभग इनका 10 से 15 साल का अनुभव है, और साथ में साथ जो एक्सेसिबिलिटी है हियरिंग और स्पीच डिसेबल के लिए, किस प्रकार से एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हमको वेबिनार ऑर्गेनाइज करते समय ध्यान में रखने चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री डॉक्टर के श्रीदेवी जी को। मैम आपका स्वागत है। बोलो सर। नमस्ते एंड थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू द डायरेक्टर एंड द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस NIPVD. Sir, today I am going to start a brief information about how to conduct this webinar. Sir, बीच-बीच में हिंदी भी बोलेंगे, आपको problem है तो एक बार मुझे बताएं। कोई नहीं मैम, bilingual चलेगा, bilingual चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। Yeah, I am sharing some information, sir. Here I would like to present some videos also to the participants how to conduct the first. I would like to present the paper, so how to conduct this webinars, and after that I am showing to one video for the participants. Okay, here sir, please, actually I would like to present, sir, one minute, I am sharing
Actually, sir, before going to start this session, I would like to brief you. Already, Ajit sir have given a lot of information how to conduct this webinar. Okay. Before they start the session, it is very common, and nowadays in virtual learning is very common nowadays. So here, before if you start this webinar or present webinar, please turn on the captions for your session. Here, especially for the persons with the disabilities, visually challenged and other persons with hearing impairment, it is very useful. Hence, you need to turn on the captions for your session. Okay, and several platforms we have, Skype, Microsoft Teams, and Google Meet have support automatic captions. If you see in this at present we are attending, no, in that Google Meet also we have option. Please go to that settings and you can see, and you can turn on your captions also. Is it okay? Are you able to hear? And please turn on that one also. Practically you will get the information. Okay. Please turn on your captions. Yes, ma'am. You are audible, ma'am. Yeah, yeah. And several platforms like here in Skype it is available. Google Meet we have, and automatic captions it will come. Okay. And check out the resource. Before this, speak directly, slowly and clearly into your microphone. Okay, whatever you are going to present in this webinar, all the teachers or lecturers or faculty members, speak directly and slowly and clearly into your microphone. Okay, already Ajit sir said, please turn on your microphones. Okay, sometimes in laptops or mobile phones, it may be unmuted. So we need to, as a presenter, we are going to start very clearly and we open our microphone. And the distance from the microphone has a direct bearing on the quality of the captions. Okay, it is it should be minimum spacing, it should be there. Then only the whatever the captions, we are, if you are speaking, and then the captions will come on the screen. Okay. And ensure that all speakers avoid locations with background noise. Okay, just now Ajit sir said background noise will come, whatever we are doing in home or somewhere, then that background noise will come. So we need to mute that itself. Okay. And do not have multiple people speak at the same time. Okay, while conducting webinar, sir said please mute your all microphones. Whenever the discussion will start, then we can open that. But multiple discussions, we should not do. And at a time, only one speaker should speak. Okay. And one more point I would like to add this one. Lip reading. Okay. And here we are going to speak with deaf people. Okay. Is it correct? So, for example, we are taking class for the hearing impaired child. So that time we need to speak slowly, and the lip reading also should be very clear. So the attention will be more in that at that time. Okay. And then for example, as a lecturer, we are taking class for the some other sessions. Here we need to arrange sign language interpreters. Okay. And if it is if requested, then they will come. Actually, from many NGOs and community centers, deaf users can refer to you, okay, a good interpreter. Because for hearing impaired child, in addition to that captions, they will understood more on sign language. Because the children with profound hearing loss and other severe hearing loss children, they maximum they will depend on sign language. Okay, this is the one another mode of communication. Actually, for hearing impaired child, there are various categories we have. We all of us know, mild to profound categories. Mild and moderate students, they can hear. By using these captions, it will be useful. But oral mode of communication, in addition to that, manual mode we require, and total communication is also required for students with hearing impairment. Okay, so here the sign language interpreters also we have available. Indian Sign Language directory, it will be there, na? ISL or TCSL. So there the persons, professionals will be directed from the directory also. You can get the numbers and then you can use and tell them in advance, and you can prepare for your lectures. Okay.
and ensure your record meeting and share it afterwards to let the people listen to important sections again. Okay, this also you can do as a presenter. Here, and before that presentation, for example, I am going to present on topic to you. So then I need to submit the material presentation before itself. And the reading materials are, I should be accessible. Okay. And whatever the material is there, that should be in English or any mode, PPTs, it should be in accessibility mode. And it will be useful for all children with disabilities. That is the important point. One thing you need to remember. Baad mein, sending your materials ahead time ensures that participants have access to electronic versions in case of encounter any difficulty during the live event, it will be more useful. So hence we need to give them before presentation, the handouts also we can give them and we can provide. Okay, and some accessibility checker, Microsoft Office, these are the, we can check the material if any mistakes are there. In software also a lot of material is available and we can spell check also we can do. Okay. And do not forget to sensitize your speakers and moderators, and speakers must understand that moderators how to convey the content in manner that promotes inclusivity. Here, for example, I am going to take one session on curriculum adaptation because the topic is very new to them. So what I have to do, then before that going to start the session, what is the matter I'm going to convey, what are the objectives and how it will be there, how it will be useful. So that information we need to give them present listeners. Okay. And employers or schools can ensure that employers and teachers are provided a disability sensitization also. Okay. If you are a webinar host, for example, we are conducting a webinar to conduct the preparatory sessions for the speakers also. Before going to start the session, we also check with the speakers and for example, pehle jaane ke pehle ek bar hum log bhi speakers se baat karna well in advance. One day before we need to check it, everything we need to do that part. Like that we can conduct webinars. Okay. And before that practice should be there. One or two sessions, is there any, sir said, no, microphones are not working. Sometimes may not, speakers will be the problem. And sometimes internet connections problem will be there. So before going to start the session, we need to do recheck ourselves and how it will be there. Is it audible? The sound should be, we should be do that one, sound processing, everything we need to be corrected. Okay. And verbalize, sir. And one more thing is verbalize all key information and actions and avoid saying click there, click here, chart, this picture. That we should not, we remember that not everyone can see what you are referring to. Okay. Instead of that, specifically identify what you are demonstrating. For example, click on the home button, which is available on the top right. Okay. And some example here, ensure to have adequate pauses also. Regularly recap your key points. Okay. For example, I have given some information. Then immediately you can say, now till this session, we have discussed on these issues. Now I'm going to talk another session, another topic. Like that, we need to give them key points also and we recap also. Okay. And what are the important points are there? That particular points we need to discuss while presenting the topic. Okay. And here the participants who using captions are sign language interpreters who are simultaneously reviewing the presentation material can catch up. Okay. Next we can ask the meeting participants. So state their name each time they speak. Okay. While for example, I'm speaking with Ajit sir. So Ajit sir, am I here? Am I audible? Like that. Some we need to speak also. Okay. This is especially useful for persons with low vision and blind people and those captioning to identify the correct speaker. Okay. And we can use also use time to verify their familiarity and comfort with the platforms
and the key feature is such as screen sharing or muting, unmuting audio, etc. So whatever we are presenting, that material, that platform, it should be comfortable. So every features will be sharing option is there, or muting, unmuting, everything we need to check up before going to start the session. Once the meeting and classrooms or webinars are concluded, so disseminate and recording of your presentation and transcript also we can send to the participants also. This is the best practice, not only enhance the accessibility of the information you share. Okay, whatever the material is there, then directly you can share to this their email IDs and then to the participants or deaf people or anybody. Okay, and also without disabilities here, do not forget ask for inputs, feedbacks and suggestions also. Actually, here in Google Forms, there are a lot of feedback forms also available in Google's Google Meet and other web applications. You can go through that one and you can ask them to send feedbacks also and suggestions also. And here in Google Meeting or webinars, directly the rating will come. Once you can see in Google Analytics, through in webinars, how it is the percentage, how many are attending with carefully, that information also we can get. Okay, so do not forget to ask the inputs, feedbacks and suggestions while preparing this webinar. Each and everything and certificate also we need to upload, and if we are giving any certificate to the participants, that logo, whatever we are, for example, I am from NHS, I would like to upload the logo of so and so and title of the program and everything we need to kept in that webinar. Okay, so like that you can present and ask the participants for feedback on the content of the presentation. Okay, this is also you can ask, and while discussion also you can share, and sometimes in written forms also send a questionnaire to the participants, then they will feed it and submit to you also. It is the utility of the experiences with the accessibility of virtual events. Okay, I think so these are the few points I have gathered within 1 or 2 hours. Okay, and these are the actually I have prepared in my PhD topic for the presenters of deaf students. I would like to show one video how I have prepared this interpretation for one lesson. Okay, once you can see, she is actually she's hearing impaired child. Fertilization takes place inside the female body is called internal fertilization. Internal fertilization occurs in different organisms like insects, snakes, lizards, birds, and mammals, etc. See the diagram of how the internal fertilization takes place. One more video. This is actually that girl she has interpreted for my lesson. Now I'm going to show for a class 8 lesson how she has interpreted and how I have given captions to that particular today, lesson. We are going to learn about story of microorganisms. Here I have given some space of time because they will the deaf child able to read that material, and so I have prepared this I have given this gap for the child. Microorganisms are to be found in air, water, soil, within the bodies of animals, plants and over surfaces as well. Microorganisms are very useful, while some of them are very harmful.
microorganisms are very useful in our everyday life. Example, in preparation of idli, dosa, bread, cake, and making curd. Which converts milk into curd? Here is some picture I have given. So while presenting our PPT, we use to them, sometimes we can use that pictures from Google also, we can collect or any pictures are there any. That time we can present for the hearing impaired child, because it will be more, the hearing impaired child depends on more listening. So, vision, hence we need to prepare maximum visual inputs to the, we should provide. How do you prepare bread and cake? Yeast to be added to duff of preparing bread and cake by fermentation process. Different diseases form a friendly as they are useful organisms. Can we cure diseases with microorganisms? Some microorganisms are also used in preparation of medicines required to cure different diseases form a friendly as they are increases soil fertility. Wheat, rice, fruit juices, and like grapes. So, like this, total prepared PPTs for by using sign language interpretation. Microorganism. Okay. When do doctors prescribe us antibiotics? Sometimes when we fall ill, get injured, or need to undergo an operation, doctors prescribe some medicines that kills the bacteria involved. Such medicines are called as antibiotics. So, like this total video I have presented by using sign language, I have prepared a 5 lessons. Because for any student, for hearing impaired child, actually we can use the mode of communication is total communication. Okay, that will be benefit to the all the categories or all the types of degrees of hearing impaired child. So, for the here this girl is also deaf child, you can see. She is but moderate hearing loss she is having, but she is trained in Indian Sign Language. Okay, she is actually by seeing these topics and in textbook, she has signed everything. Okay, like this, our webinars also, she is interpreter. Okay, now in general also, we can, she is deaf child and interpreter. Now, actually for our webinars, we can opt interpreters. Whatever we are discussing to the participants, that girl or person will interpret the information, and through web we can show them. Like that, we can present for HI children also. In addition to that, softwares also we have, and one is a speech to text software. It is nowadays it is available in all computers. Speech to text, text to speech, and also we can use in Google also, speakers will be there. Whatever the material is there, that time if it is translated immediately, it will speak, no? Then it will be useful for visually challenged, and simultaneously that captions will be useful for the HI child. Okay, like that we can present the webinars. This is my small presentation, okay? I would like to share, if you have any doubts related to hearing impairment, students with hearing impaired, you can share my
this is a session for discussion and open discussion. Okay. Hello. Thank you yeah, so much. Please, thank you so much, yeah. Ma'am. Very nice presentation, ma'am. You had teach us how sign language is very important for speech and hearing person. जैसा आप लोगों ने देखा अभी मैम का जो वीडियोस था, जो वीडियो मैम ने शेयर किए, एक समय में जब हम बात करते थे कि अ पिक्चर स्टैंड फॉर 1000 वर्ड्स, मतलब जब हम स्पीच डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो कोई पिक्चर हम दिखा दे, साथ में साइन लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन कर दे और साथ में साथ ऑडियो भी चलता रहे, मीन्स ये इंक्लूसिवनेस का एक बढ़िया एग्जाम्पल है, है ना। यहाँ पर हमारे जो विजुअली डिसेबल साथी हैं वो भी इस पीपीटी को ध्यान से समझ सकते हैं और साथ में साथ जो स्पीच और हियरिंग डिसेबल बच्चे हैं उसको भी आसानी से समझ सकते हैं। तो नाइस प्रेजेंटेशन मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर पंकज सर को। डॉक्टर पंकज सर जो एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट हैं, बात कर रहे हैं हम विजुअल डिसेबिलिटी की या हियरिंग डिसेबिलिटी की या क्रॉस डिसेबिलिटी की, तो सर का इन्वॉल्वमेंट हर जगह पर होता है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर डॉक्टर पंकज सर का इन्वॉल्वमेंट ना हो। और जहां तक हम NIPVD की बात करते हैं और जहां जब भी हमने इस प्रकार के वेबिनार ऑर्गेनाइज किए हैं तो डॉक्टर पंकज सर हमेशा से एक्टिवली पार्टिसिपेट इन्होंने किया है और सबको गाइडेंस भी दिया है। तो मैं सर का दो प्रकार से फायदा उठाना चाहूंगा, एक तो धन्यवाद ज्ञापन के रूप में भी सर को आमंत्रित करता हूं और साथ में साथ पूरा जो सेशन सर ने आज सुना जिसमें किस प्रकार से हम वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, किस प्रकार से एज ए पार्टिसिपेंट्स हमको ध्यान रखने की जरूरत है और जब हम स्पीच और हियरिंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो कौन कौन सी चीजें हमको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन सबको समअप करते हुए सर धन्यवाद ज्ञापन देंगे, ऐसा मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर पंकज सर से। डॉक्टर पंकज सर, थैंक यू सर। मैं तो धन्यवाद ज्ञापन ही दूंगा क्योंकि अब समअप करना, इतना सारा ज्ञान और कौशल आज सबने शेयर किया है कि उसे समअप करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। फिर भी मैं थोड़ा दो एक दो बातों को आज रखता हूँ कि सबसे अच्छी बात जो शुरुआत थे पहले स्पीकर के रूप में और सुनील सर ने भी रखी यहाँ पर, क्योंकि हम अलग वेबिनार की परिकल्पना नहीं कर रहे हैं, हमको सोचना होगा कि हम जो वेबिनार्स कर रहे हैं वो उसमें सब इंक्लूसिवनेस हो। हम जो जब भी प्लान करें तो ऐसे फीचर्स को सोच कर करें कि जिसमें हम सभी को शामिल कर सकें। तो मैं सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर हिमांशु दास सर का कि इन्होंने हमें एक बड़ा अच्छा मार्गदर्शन दिया कि हम जो यहाँ फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उन सब के लिए हम एक वेबिनार कंडक्ट करें जो उनको सिर्फ ये सिखाएं कि हाउ टू कंडक्ट अ वेबिनार। और उसी सीरीज में वी आर कंडक्टिंग 6 वेबिनार्स, दिस इज 3rd अमंग द 6। एंड सेकेंड, इस कार्यक्रम को आज आयोजित करने के लिए आप सबसे ज्यादा धन्यवाद श्री सुनील सिरपुरकर सर का, जो आज हमारे बीच पूरे कार्यक्रम के दौरान एक महत्वपूर्ण एक मतलब योद्धा के रूप में लगे रहे, जो समय समय पर मार्गदर्शन भी देते रहे और उनका उनके सहयोग के बिना इस कार्यक्रम को आज सफल बनाना बिल्कुल संभव नहीं था, तो उनका धन्यवाद। और एक दो बातें जो छोटी छोटी करके सभी छोटी छोटी बातों को बिंदुओं को भी बहुत हाईलाइट किया हमारे 3 वक्ताओं ने। सबसे पहले नेगी साहब आए, उन्होंने बहुत माइन्यूटली चीजों को रखा किस प्रकार एक ऑर्गेनाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे सोचते हैं एक्सेसिबिलिटी को, छोटी छोटी बातों को भी आप इंश्योर करते हैं तो आप एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर कर देते हैं। आप बताते हैं कि इसमें उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजर का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि जो प्रेजेंटर आ रहा है उसे बहुत कुछ नहीं भी पता हो सकता है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजर हमें हम उस चीज को लीड भी लेंगे और सजेस्ट भी करेंगे कि कुछ एक्सेसिबिलिटी को हम और इम्प्रूव करें। दूसरे स्पीकर के रूप में हमारे बीच आए थे श्री अमित सिंह नेगी साहब, जिन्होंने एक पार्टिसिपेंट अगर एक कोई विजुअली इम्पेयर्ड पार्टिसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनको उन्होंने बहुत अच्छे से रखा। वो काफी खुद ही उन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं और एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करते हैं अपने आसपास, वो खुद उनका जी उनके उनको आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एक्सेसिबिलिटी सही कहते हैं, तो वो हमारे बीच जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तीसरे स्पीकर के रूप में हमारे बीच डॉक्टर श्री देवी मैडम जुड़ी, उनका मैं जितना भी धन्यवाद करूँ बहुत कम है।
उनसे आज ही सुबह संपर्क हो पाया था और उनके बहुत कम समय में ही वह तैयार हुई कि हम लोग के साथ जुड़ेंगी और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमें बहुत कम समय में बहुत कुछ बता के गई। उन्होंने किस प्रकार से बताया कि क्लोज कैप्शनिंग का एक ऑप्शन होता है, जब आप देखें कि आप कोई भी अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से कर रहे हैं तो आप नीचे की तरफ जैसे ही कर्सर या माउस को ले आते हैं तो आपको एक छोटा सा एक टैब पॉपअप जैसा एक ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ आता है और उसमें आपको लिखा हुआ आएगा टर्न ऑन कैप्शंस। अगर आप उस कैप्शन को ऑन करते हैं तो एक हियरिंग इम्पेयर्ड व्यक्ति के रूप में या उनके आप उनके रूप में देखेंगे तो आप वो बिल्कुल आप मैं जो बोल रहा हूँ ये लिख जाएगा, लेकिन एक लिमिटेशन है इसकी कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो वो नहीं करेगा। अगर मैं कोई इंग्लिश में बात करूंगा तो अभी उसे हमारी मेरी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके नीचे कर देता है। इसको जरूर आजमाएं, अभी जो जो भी पार्टिसिपेंट है इसे आजमा करके देख सकते हैं। इन मैडम ने एक दो वीडियोस भी शेयर किए कि आप कैसे प्रेजेंटेशन, अगर आप एक प्रेजेंटर हैं तो किस प्रकार से आप प्रेजेंटेशन को अपने एनरिच कर सकते हैं। यू कैन इंटीग्रेट साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन विद इन योर प्रेजेंटेशन एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग कि उन्होंने बहुत सारे अपने प्रेजेंटेशन में इस तरह की चीजों को बना करके रखा है, समावेशन करके रखा है कि साइन लैंग्वेज को कैसे इंटरप्रिटेशन को कैसे जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारे बीच आप सभी प्रतिभागियों के रूप में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग हम लोग मिलकर के एक ऐसे आगे ले चले डिजिटल वर्ल्ड को, अगर हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम सब एक कदम अपना बढ़ाएं आगे, डिजिटली इम्पावर्ड हो और उस डिजिटली इम्पावरमेंट की जो का जो हमारा क्षेत्र होगा उसे हम कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करें कि हम किस प्रकार से अपने सामने वाले बच्चे, जिसमें सभी बच्चे शामिल हैं, सभी दिव्यांगजन शामिल हैं, सबको साथ मिलकर के हम लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर पंकज सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज हम सबसे जुड़े। और निश्चित रूप से आज हमको समझ में आया कि यदि हमको वेबिनार ऑर्गेनाइज करना है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रा जरूरी है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा से फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट में, नए सेमिनार में, नए वेबिनार में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू पंकज सर, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काफी अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया आप लोगों ने। थैंक यू, काफी काफी नई चीजें। Thank you for the director and Pankaj sir and the team, organizing team and the participants. Thank you so much. Thank you so much.